लोड्स, लोड्स पे, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लोड्स। लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड्स पे छोड़ी थी, ठीक है। तो आज मैंने आपको जैसे कहा था, आज हम रिएक्शंस कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक का नाम है टू कैलकुलेट रिएक्शंस। सब लोग मेरी, सभी लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? जी सर, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो कैलकुलेट रिएक्शंस कैसे देखते हैं, मुझे बताओ कि ये मेरा है एक बीम, ठीक, और इस बीम पर एक वर्टिकल लोड लग रहा है इस तरह से, कैपिटल W, ठीक है। अब जैसे ही लोड एक्ट करेगा बीम पर, तो बीम के सपोर्ट का क्या काम होगा, बीम विल ट्राई टू गिव रिएक्शंस। मैंने बीम पर लोड कैसा बनाया, सिर्फ वर्टिकल लोड बनाया, तो रिएक्शंस भी कैसी आएंगी, सिर्फ वर्टिकल आएंगी, राइट। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्टिकल प्रोड्यूस नहीं होगा, तो रिएक्शंस कितनी प्रोड्यूस होंगी, वन एंड टू। दो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब तक लोड नहीं लगेगा तब तक रिएक्शंस का डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब लोड लग जाएगा सेम डायरेक्शन में रिएक्शन का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो एंड ए पे हुई है उसे आर ए लिख लें, और जो एंड बी पे हुई है उसे आर बी लिख लें, ठीक है। अच्छा, अगर रिएक्शंस को कैलकुलेट करना हो तो हम इक्वेशंस यूज करते हैं, कुछ कुछ इक्वेशंस का यूज करते हैं, वी यूज। आप अपने नोट साथ साथ में बना सकते हैं, ठीक है। वी यूज इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैंने कल भी इन क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करा था आप लोगों के सामने, उनका मतलब मैं आपको आज समझाऊंगा, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम इक्वेशंस यूज करते हैं, जो कि पहला इक्वेशन हमारा होता है, दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन ए बीम इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब कि क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जितना भी फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में बीम पर लग रहा है, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स लगा W, इसके कारण दो रिएक्शंस पैदा हो गए, आर ए एंड आर बी। इन सब का नेट सम कितना होना चाहिए, नेट सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर फोर्सेस का नेट सम जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ऊपर वाली फोर्स जो नीचे आ रही है वो बड़ी है, या तो जो नीचे वाली फोर्सेस ऊपर जा रही हैं वो बड़ी हैं, तो बीम आपका स्टेबल नहीं रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। हो सकता है कि अगर नीचे वाली फोर्सेस बड़ी हो गई, नीचे वाली फोर्सेस नेट बड़ा हो गया, तो बीम आपका ऊपर चला जाएगा इस तरह से। अगर ऊपर से नीचे लगता हुआ लोड बड़ा हो गया, तो बीम आपका क्या करेगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो बीम को हमने क्या रखना है, अपनी पोजिशन पर रखना है। तो बीम को पोजिशन पर रखना है, तो नेट वर्टिकल फोर्सेस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये जीरो हुआ कि जो लोड ऊपर से लग रहा है, जो लोड ऊपर से लग रहा है, उसका जो वैल्यू है वो नीचे की रिएक्शंस के बराबर ही होगा। पॉइंट समझ आया आपको? जी क्योंकि वर्टिकल रिएक्शंस तो नीचे से ऊपर जा रही हैं, और एक्सटर्नल लोड क्या लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं ये एक इक्वेशन लिख पाया। मैंने लिखा कि जो भी समीशन होगा रिएक्शंस का, वो वर्टिकल लोड के बराबर होगा जो ऊपर से नीचे आ रहा है। लेट इट बी कि इस बीम पर 10 तरह के और लोड लग रहे हैं, 10 और लोड लग रहे हैं, इस बीम पर 10 तरह के और लोड लग रहे हैं। आवाज खराब हो गई सर, आवाज सही नहीं आ रही है सर। हेलो, अब सही है, अब सही है आवाज? जी सर, यस सर, यस जी सर, ओके ओके। मेरा कहने का मतलब कि अगर बीम पर 10 लोड और लग रहे होंगे इस तरह से, W W W 2 W भी लिख लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम देखो 4 लोड W हैं और एक लोड 2W है। हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन के हेल्प से ये लिख पाएंगे कि 2W+4 टाइम्स W इक्वल टू किसके समीशन के बराबर होगा, आर ए प्लस आर बी। और एक किस इक्वेशन के कारण हम लिख पा रहे हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ऑन ए बीम इक्वल टू जीरो, कि जितना भी नीचे से ऊपर फोर्सेस जाएंगी वो ऊपर से नीचे आती हुई फोर्सेस के बराबर ही होगा, ठीक है। समझ गया आप लोग, दिस इज द इक्वेशन जी फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन सेकंड जो है वो हमें बताता है कि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन ए बीम इक्वल टू जीरो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन भी जीरो होना चाहिए। लेट अस से कि ये बीम है और इस बीम पर एक लोड W लग रहा है, इस तरह से लोड P लग रहा है, ठीक। अब जैसे ही लोड P लगा, तो मुझे बताएं रिएक्शंस कौन कौन सी डेवलप होंगी हिंज पे। हिंज पर एक दो वर्टिकल सर लोड भी हो जाएगी और और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एच ए। सर, स्क्रीन नहीं चल रहा है। आप लोगों का चल रहा ना बाकी का? जी, यस चल सर, रहा है चल सर। रहा है। हाँ आपके अपने नेट में कोई प्रॉब्लम होगा, यहां से स्क्रीन चल रहा है सबका, चेक करें एक मिनट।
या रिफ्रेश करें। चला सर, ये बड़ी प्रॉब्लम है 2G की। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एंड ए पे दो रिएक्शंस डेवलप हो गए, एक आर ए और एक एच ए, और एंड बी पर कौन कौन सा डेवलप हो गया? आर बी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही एक है। अब मुझे बताएं, अगर बीम को हॉरिजॉन्टल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमें रखना है तो हमें समीशन क्या करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का? जीरो। मतलब जितनी फोर्सेस लेफ्ट से राइट जाएंगी उतनी फोर्सेस राइट टू लेफ्ट आनी चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट क्या जा रहा है इस टाइम? रिएक्शन जा रहा है, और राइट टू लेफ्ट क्या आ रहा है? लोड आ रहा है। तो इसके कारण हम क्या लिख पाए कि एच ए आपका किसके बराबर होना चाहिए? एक्सटर्नल लोड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हम इक्वेशन सेकंड के कारण लिख पाए। अपने अपने स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो जो करना है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। डन सर। एवरीवन, सबका हो गया? ठीक है, साथ साथ में नोट्स बना लिया करो और बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि क्लास में हम ज्यादा टाइम निकाल सकें। ठीक है, टाइम तो हमें यही मिलेगा, 2.5-3 घंटे मिलेंगे रोज के। जी सर। ठीक है, तो साथ साथ में नोट्स बनाते चला करो, और या तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि मैं बाद में आप लोग इसको नोट कर पाओ अपने कॉपी पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, विच इज थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारी इक्विलिब्रियम की क्या थी? समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इन ए बीम इक्वल टू जीरो, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहां देखना, दिस इज लोड पी एक्टिंग ऑन अ बीम एज ए पॉइंट लोड, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। जिस तरह से लोड आया उसी वक्त क्या हो गया? रिएक्शंस प्रोड्यूस हो गया, यू नो, आर ए एंड आर बी। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि बीम के ऊपर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यहां पर भी है, यहां देखो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब कोई भी आप पॉइंट ले लें, लेट अस से मैंने डी पॉइंट ले लिया, लेट अस से कि मैंने डी पॉइंट ले लिया, और डी से डिस्टेंस मैंने ले लिया आर ए का एक्स, पी से डिस्टेंस ले लिया इसका वाई, और आर बी से डिस्टेंस ले लिया मैंने डी पॉइंट का जेड। ठीक है, अब देखें फोर्स को, देखना अब आपने आर ए को, सब लोग आर ए को देखें। देखो आर ए का एरो कहाँ पे है? आर ए का एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ। ठीक है, yes, आप लोगों को मैं बता दूं, यहां जिसको मोमेंट नहीं पता, थोड़ी देर के लिए यहां देखें, मोमेंट होता है लोड into its perpendicular distance up to the point जहां पे हमें moment निकालना है। मतलब load को उसके perpendicular distance के साथ multiply कर दो तो वो moment बन जाता है। ठीक है, अब इस point को देखें, D point को। अब D point के left में, D point के left में कितनी forces हैं? क्या एक ही force आ रहे vertical ऊपर? और D point के right में कितनी forces हैं? एक load P है जो कि downward है, और एक RB reaction है जो कि upward है। upward। अब मैं सिर्फ पहले देखूंगा लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाले का मोमेंट डी पे क्या बनेगा? लेफ्ट वाले का मोमेंट डी पे क्या बनेगा? ठीक है, आर ए इनटू एक्स, तो क्या बनेगा? आर ए इनटू एक्स डिस्टेंस। हमने मोमेंट को क्या लिखा है? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखें लोड की जो एक्सिस है वो कौन सी है? देखो लोड किस एक्सिस में लग रहा है, आपको मैंने कल भी बताया था, लोड हमारा किस एक्सिस में लग रहा है? वाई एक्सिस में लग रहा है ना। रिएक्शन देखो, रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में है, और हमने डायरेक्शन कौन सी लेनी है? डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में लेना है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? एक्स वाली। बात समझ आ रही है? तो एक्स में कितना डिस्टेंस है डी का? दैट इज एक्स। तो मैंने क्या लिखा? आर ए इंटू एक्स। और कैसा सेंस है रोटेशन का? देखो जब भी मोमेंट होता है उसका कोई सेंस होता है, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। आर ए के एरो को देखेंगे, आर ए के एरो को देखेंगे, एरो से हमने कहां जाना है? डी पॉइंट पर। तो इस तरह से घूम के आएगा, इसको मैं क्या कहूंगा? क्लॉकवाइज। पॉइंट समझ आ रहा है? अब सेम है, राइट से देख रहा हूं, राइट से आपको लोड क्या दिख रहा है? पहले आरबी से स्टार्ट करेंगे, आरबी से आपको कहां जाना है? डी तक जाना है, और आरबी से डिस्टेंस कितना है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का डिस्टेंस कितना है? जेड। तो आरबी इंटू कितना चला गया? जेड डिस्टेंस। तो ये मोमेंट आपने डी पॉइंट पे लिखा किसके कारण लिखा? लोड आरबी के कारण या रिएक्शन आरबी के कारण। इसका डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसके एरो को देखो, हमेशा एरो को देखो पहले, एरो से कहां जाना है? डी पॉइंट पे जाना है। तो कैसा रिएक्शन बन रहा है, कैसा मोमेंट सेंस बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
अब मैंने राइट से काम किया तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ये बाद में पूरा रीजन समझाऊंगा कि पॉजिटिव ही क्यों लेना है। पहले समझ लो कि जहां से काम करो वहां से जो पहली आएगी उसको मान लो कि पॉजिटिव है। तो आप अगर आगे लोड को गए, आप आगे लोड कौन सा पी है, पी लोड को भी काउंट फॉर करना है। पी लोड के कारण कितना है यहाँ पे डिस्टेंस, वाई। पी लोड के कारण डिस्टेंस कितना है, वाई। पर डायरेक्शन क्या है, देखो एरो नीचे है, तो डायरेक्शन क्या आ गई आपकी, क्लॉकवाइज। तो अगर आपने पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज किया तो क्लॉकवाइज के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस। तो पी इंटू वाई और डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इस तरह से हम मोमेंट देखते हैं। और समेशन ऑफ मोमेंट हमें क्या बताता है कि किसी भी पॉइंट पर, अब सुनना ध्यान से, कहता है किसी भी पॉइंट पर जो समेशन लेना है हमने नेट क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का, नेट क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का, वो कितना होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, जीरो। देखो किसी भी पॉइंट पे अगर जीरो लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट्स आ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आ रहे हैं तो वो बराबर मिलके कितना होना चाहिए, जीरो। उनका मैग्नीट्यूड मिलके कितना होना चाहिए, जीरो। इसी क्वेश्चन के कारण मैं क्या ये लिख सकता हूँ, देखना, आर ए इंटू एक्स कैसा है, क्लॉकवाइज। दूसरा क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, पी इंटू वाई आ रहा है, ठीक है। पी इंटू वाई और आर बी मैंने इसी की साइड लिखना, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन का है, आर बी इंटू जेड इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि दो क्लॉकवाइज वाले मैंने पॉजिटिव कर दी और एंटी क्लॉकवाइज वाला ना एक नेगेटिव कर दिया। और इन सबका जब मैंने सम किया नेट, इन सबका जब मैंने समीशन किया तो क्या मैंने लिखना है, जीरो लिखना है। ये हमें बताता है थर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है, कहने का मतलब ये, जब आपने मोमेंट लेना है, समीशन ऑफ मोमेंट का इक्वेशन लगाना है, तो ये बेंडिंग मोमेंट नहीं है, ठीक है। ये किसी भी पॉइंट पे मोमेंट का समीशन जीरो लेना है, मतलब कि उस पॉइंट पर आपने लेफ्ट से भी फोर्सेस को कंसीडर करना है, राइट से भी फोर्सेस को कंसीडर करना है, और उनका नेट कितना करना है, जीरो करना है। बेंडिंग मोमेंट कुछ और होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोलते होगा कोई आपको कि समीशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो, वो गलत है। ये है समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इन ए बीम इक्वल टू जीरो। आई होप इट इज अंडरस्टूड। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। आंसर ओके, ठीक है। आप लोग अभी तक ये समझे कि सर ने कहा रिएक्शंस निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है, वी यूज थ्री इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और वो थ्री इक्वेशंस को क्या क्या मतलब है वो मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ में बता दिया, ठीक है, कि समीशन वर्टिकल फोर्सेस का बीम पर कितना रहेगा, जीरो रहेगा। दूसरा आपने पढ़ा समीशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बीम पर कितना रहेगा, जीरो रहेगा। एंड थर्ड आपने पढ़ा कि समीशन मोमेंट का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। देखना रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे, वो रेड लाइट आ रही है रिकॉर्ड वाली आपकी स्क्रीन, यस सर, यस सर। हां ठीक है, देखना वो कहीं बंद ना हो जाए, ठीक है। ये हमने पढ़ा और उसका मतलब भी हम लोग समझ गए, ठीक है। अब जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, देखना अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रिएक्शंस को निकालते हैं, ये आपका सबसे पहला केस लूंगा मैं, जो सबसे बेसिक केस है आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। इंटरव्यू में तब पूछते हैं जब किसी की बेइज्जती करनी होती है ना, तब उसको ये पूछते हैं क्वेश्चन कि इसको कम से कम ये तो आता हो, ठीक है, समझ गए बात को। ये इतना बेसिक केस है और आपको पता है कि एंड ए है, ये एंड बी, और ये रिएक्शन आर ए डेवलप हो गया और ये रिएक्शन आर बी डेवलप हो गया। अब इन इक्वेशंस में सबसे पहला इक्वेशन मैं कौन सा यूज करता हूँ, आप लोगों को कुछ याद हो तो, हम लोग सबसे पहला इक्वेशन, आपको टीचर बोलता होगा कि आप ऐसा करो एक सपोर्ट के बोर्ड मोमेंट को जीरो ले लो, ऐसा बोलता था टीचर, yes, sir. तो आप क्या कर रहे हो अभी, बी सपोर्ट पर मोमेंट को जीरो ले रहे हो, मोमेंट को जीरो ले रहे हो या समीशन ऑफ मोमेंट को जीरो ले रहे हो, समीशन ऑफ मोमेंट को जीरो ले रहे हो। आप एक चीज और नोट करें, टीचर ने ऐसा ही क्यों बोला कि सपोर्ट पे लेना है, या तो एम ए पे ले लो, टीचर ऐसा बोलता होगा या तो ए पॉइंट पे ले लो या बी पॉइंट पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर ने आपको ये नहीं सिखाया कि कहीं इस पॉइंट पे ले लो जीरो, इस पॉइंट पे जीरो ले लो, मेरी बात समझे आप, क्योंकि अगर यहां पर आपने ले लिया ना मोमेंट का समीशन जीरो, तो आपके लेफ्ट में फोर्स कौन सी आ जाएगी, आर ए फोर्स आ जाएगी, राइट में कौन सी फोर्स आ जाएगी, आर बी फोर्स आ जाएगी। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें कितने अननोन हो जाएंगे, दो अननोन हो जाएंगे,
और दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशनें चाहिए, तो काम को आसान करते हैं, काम को आसान करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी सपोर्ट पे मोमेंट को जीरो लेते हैं। तो जब किसी सपोर्ट पे मोमेंट को जीरो लिया तो उस सपोर्ट पे जो रिएक्शन लग रहा होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बी पॉइंट से होगा नहीं। मोमेंट तो कब बनता है किसी फोर्स के कारण, जब फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं मोमेंट बी पे लिख रहा हूं किस लोड के कारण, आरबी के कारण, तो फोर्स आरबी आ गई, उसका डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो मोमेंट बी पे जीरो, मोमेंट बी पे भी जीरो हो गया किसके कारण, आरबी के कारण। बात समझ आ रही है? तो आपका एक अननोन खत्म हो गया, तो सिर्फ एक अननोन बचेगा आरए। अब हम लिख सकते हैं, अब देखना आप जब भी फॉलो करेंगे, आप जब भी करेंगे क्वेश्चन को, ऑलवेज मूव, आप जहां पे लिख रहे हैं अगर बी पे लिख रहे हैं तो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाएं काम करने के लिए। कहां जाना है हमें, हमें एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना है, हमें ये नहीं डब्ल्यू से नहीं लिखना है, हमें डब्ल्यू से नहीं लिखना है, हम एक्सट्रीम लेफ्ट में चलेंगे। हमारा काम किससे शुरू करेंगे, हम आर ए से शुरू करेंगे। और मैंने कहा, अभी तक मैंने आपको यही समझाया कि जो पहली फोर्स आती है उसका जो मोमेंट सेंस आता है उसको ले लो पॉजिटिव। तो आर ए को, आर ए से हमको कहां लिखना है, बी पॉइंट पे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे इक्वेशन, मोमेंट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आर ए इनटू डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस है और हाफ इसका एल बाई टू है। आर ए क्या लिखूं, आर ए से हमें कहां जाना है, बी पॉइंट पे जाना है, बी पे लिख रहे हैं मोमेंट, आर ए इनटू एल। रोटेशन सेंस कैसा है, एरो कहां पे है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव। रोटेशन सेंस पूछा मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ठीक है। क्लॉकवाइज को मैंने अभी तक इतना सिखाया, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो मैं बेंडिंग मोमेंट की साइन कन्वेंशन में डिस्कस करूंगा। हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है, मैं वहीं बताता हूं। आर ए इनटू एल, पहली जो भी फोर्स आएगी आपके लिए उसको क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो अभी, ठीक है। और जब आप, अब आपने एक फोर्स को ले लिया, अब दूसरी फोर्स को लेना डब्ल्यू को, डब्ल्यू के कारण कैसा मोमेंट आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का लेना क्या पड़ा, लेने का क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज को आप क्या ले चुके हो, पॉजिटिव ले चुके, पॉजिटिव, ठीक है। इक्वल टू, क्या कोई और फोर्स बची, नहीं बची, आरबी थी, पर आरबी के कारण बी पे मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इक्वल टू जीरो। तो अब देखें आपके पास अननोन कितना है, सिर्फ एक, डब्ल्यू तो लोड का वैल्यू गिवन होगा ना आपको, बात समझ आ रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ए इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। यहां से एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आर ए कितना आ गया, डब्ल्यू बाई टू। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिएक्शन फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। ये मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता पीछे, ठीक है। जिसको यहां समझ नहीं आएगी ना तो उसका मुश्किल है फिर समझ पाना कुछ, ठीक है। यहां समझो, और इससे ज्यादा बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इतना टाइम लगा के। और एक चीज है, इसको अभी नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। डन सर, सबका हो गया, ये बता चले आगे। ओके, अच्छा, अभी तक हमने इस लोडिंग केस के लिए, ये हमारा लोडिंग केस था, इसके लिए केवल एक ही रिएक्शन निकाल पाए हैं। कौन सा निकाल पाए हैं, आर ए, और आर बी को निकालना भी बाकी है, ठीक है। बहुत से बच्चों को इसका आंसर पहले ही पता होगा, तो घबराए ना, ठीक है, आप भी सीख लें और दूसरों को भी सीखने दें जिनको नहीं पता, कुछ ऐसे भी जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो आर ए आपका कितना आ गया, W by 2, ठीक है। और ये किससे आया, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन ए बीम इक्वल टू जीरो, आपने बी सपोर्ट पे ले लिया था। अब एक अननोन रिएक्शन बच गया आर बी, ठीक। अब हम अप्लाई करेंगे दूसरा इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन में क्या सिखाता था, वर्टिकल समीशन का फोर्सेस क्या ले लो, जीरो ले लो। तीसरा इक्वेशन तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो वर्टिकल फोर्सेस का समीशन में हमने क्या सीखा था कि जो लोड ऊपर से लग रहा है वो किसके बराबर होगा, दोनों रिएक्शंस के बराबर होगा जो कि ऊपर जा रही होंगी, समझ आ गया। और ये लोड W आ गया, इसमें माइनस आर ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो आर बी बन जाएगा। इट इंप्लाइज दैट आर बी जो है, दैट इज W, आर ए का वैल्यू पुट कर दो, W माइनस टू, तो वो क्या हो गया, W बाई टू, ठीक है। तो आर बी का वैल्यू भी कितना आपका निकल के आ गया, W बाई टू के लिए, W बाई टू। तो इस तरह से हम रिएक्शंस फाइंड आउट करते चले जाते हैं बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस।
ठीक है, यहाँ पे दो ही यूज हुई क्योंकि आपकी लोडिंग सिर्फ वर्टिकल थी, अगर हॉरिजॉन्टल लोडिंग होती तो वो भी मैं निकाल देता कितना है। लेट्स से कि इसी बीम पर मैंने ये लोड एक्स्ट्रा लगा दिया, पी लोड। अब मुझे बताओ पी लोड के कारण कौन सी रिएक्शन डेवलप होगी? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एच ए। और फिर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा इस तरह से, फिर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, समीशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। और मैंने आपसे कहा था कि जो फोर्स लेफ्ट से आ रही होगी, जितने भी फोर्स इस बीम पर आएगी ना, वो सारी की सारी कौन रिजिस्ट करेगा? एच ए रिजिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एच बी तो है नहीं, वो रोलर सपोर्ट है, उसके पास तो एच बी नहीं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो सारा का सारा रिएक्शन कौन टैकल कर लेगा? अगर बीम को स्टेबल रहना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है, तो सारा का सारा फोर्स एच ए ले लेगा। ठीक है, जितना फोर्स लेफ्ट से राइट आएगा उतना ही फोर्स राइट टू लेफ्ट जाएगा। हम तीसरी क्वेश्चन के साथ हम ये वैल्यू लिख सकते थे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू नाउ। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, डन डन सर। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, आप लोग समझना, आप इस बात को नोटिस करें, अगर इसी बीम के अबाउट में एक सेंटर लाइन खींचो, क्या आमने सामने मिरर इमेज बन रही है? देखें, यहां पे एक रिएक्शन है, यहां पे एक वर्टिकल रिएक्शन है, ठीक है, और लोडिंग कहां पे लगी है? सेंटर पे लगी है, लोडिंग सेंटर पे लगी है। तो लोडिंग से ही आपकी बीम पर जो है वो अनसिमेट्रिकल लोडिंग होती है या फिर सिमेट्रिकल लोडिंग होती है। तो अगर आप सेंटर के लाइन बोर्ड देखोगे तो रिएक्शन एक वर्टिकल है, यहाँ पे भी एक वर्टिकल है, और यहाँ पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है एक्स्ट्रा। तो पूरा का पूरा जो इमेज बन रहा है वो मिरर इमेज बन रहा है। ऐसी लोडिंग कंडीशन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन, सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन। ऐसा जब भी लोडिंग होगा, जब लेफ्ट और राइट पर मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो रिएक्शंस का वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा, आर ए क्या हो जाएगा, आर बी के बराबर। तो ये तो जनरल बात है ना, लोड कहाँ लगा, सेंटर पे, और लोड इक्विडिस्टेंट था आर बी से भी और आर ए से भी, तो नेचुरली आधा आधा लोड बढ़ जाना नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? वॉइस ठीक है, ऑडिबल नहीं है। अब आ रही है सर, अब आ रही है। ओके, कहां तक पहुंचे थे, कहां से रिपीट करूं? हाँ, मैं आपसे कुछ समझा रहा था कि सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन क्या होती है। इस केस में आपका लोड लगा था सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, और अगर लोड बिल्कुल सेंटर पे हो इस तरह से, तो नेचुरली बात है अगर वो सेंटर पे लोड लग रहा है L बाई टू दोनों साइड से, तो लोड जो है वो आधा आधा बढ़ जाएगा, W बाई टू हो जाएगा और W बाई टू हो जाएगा, आपकी दोनों रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और रिएक्शंस कब बराबर होंगी? जब बीम आपका, जो आपका लोडिंग होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस, इसको मैं आगे समझाता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, डन सर, डन। अब मुझे बताएं, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम बीम को देखेंगे जिसकी सिमेट्रिकल लोडिंग है। क्या ये एक सिमेट्रिकल लोडेड केस है? जी सर। आपने विदाउट डिस्टेंस ही बोल दिया, ठीक है, डिस्टेंस तो डाल ले, तो अब सिमेट्रिकल हो गया, समझे बात? जी सर। अब सिमेट्रिकल हो गया, अब मैंने कहा सेंटर लाइन खींचो इस तरह से, सेंटर लाइन। अब बीम आपकी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, तो ये वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट वाला जो लोड है, उसको कौन संभालेगा? उसको रिएक्शन आ रहे ही संभालेगा, खुद पूरा का पूरा उसको रिएक्शन आ रहे संभालेगा। और जो राइट वाला डब्ल्यू है उसको कौन संभालेगा? आर बी संभालेगा। तो सिमेट्रिकल लोडिंग का कंसेप्ट यूज करके आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो कि आर ए कितना होगा डब्ल्यू और आर बी कितना होगा डब्ल्यू। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट केस देखना,
इस केस में आर ए आर बी कितना होगा बताना, आप लोगों को बताना है आर ए कितना है। पहले ये बताओ कि क्या दोनों बराबर होंगे? जी सर। यस सर, बिल्कुल बराबर होंगे। आप लोग सेंटर लाइन खींचो और सेंटर लाइन के अबाउट देखो, लेफ्ट हाफ में देखो। अब लेफ्ट हाफ में क्या है, 5 किलोमीटर का लोड लगा है, और राइट हाफ में भी क्या है, 5 किलोमीटर का लोड लगा है। पर 10 वाला लोड कहाँ लगा है? 10 वाला लोड तो एग्जैक्टली सेंटर में लगा है ना। तो जो लोड एग्जैक्टली सेंटर में लगता है, आवाज आ रही है? यस सर। जो लोड एग्जैक्टली सेंटर में लगता है उस लोड का क्या होता है, हाफ डिवीजन होता है। तो जो लोड एग्जैक्टली सेंटर में लगा उसका क्या हो जाएगा, आधा डिवाइड हो जाएगा और 5 वाला लोड ये खुद संभाल लेगा। 15 सर, आरबी 15। ठीक है, 15 नहीं आएगा, 10 ही आएगा, ये 10 ही आएगा। ठीक है, तो आरए कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन। आरबी कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट के साथ हम कितनी जल्दी से रिएक्शन निकालते हैं, और ऑब्जेक्टिव में इस तरह के ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज कराएगा आपसे, बात को समझना। ठीक है, जिसमें तेज कैलकुलेशन होगा, ऑब्जेक्टिव का काम ही ये है, पेपर तो लंबा कर नहीं सकता ड्यूरेशन एग्जाम क्वेश्चन का। ठीक है, अब मुझे बताना कि क्या ये केस मेट्रिकल है? ये सुनो, बताओ आर ए आर बी कितना होगा इस केस में? क्या ये बीम सिमेट्रिकल है? नहीं सर, ये बीम अब सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना है, 2 मीटर, और यहाँ पे मैं डिस्टेंस कितना लिखा है, 1 मीटर। ज्यादा होशियार नहीं बनना है, ठीक है? तो आपने क्वेश्चन को हिस्सा पहले बिल्कुल आराम से देखना है। बच्चे क्या करते हैं एक्साइटमेंट में, ये तो आसान क्वेश्चन है, लोड बराबर है, बच्चे ये सोचते हैं कि लोड बराबर है तो नीचे से डिस्टेंस देखेंगे नहीं और गलत कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इस अप्रोच से नहीं कर सकते हैं, तो ये अप्रोच नहीं चलेगा, इसके लिए डिफरेंट अप्रोच करना पड़ेगा, उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आप लोगों को पता तो चल गया ना कौन सा सिमेट्रिकल केस से देखना है। देखो, जो लोड होगा वो भी सेम होना चाहिए और उसका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए सपोर्ट से। जैसे 5 किलोमीटर का लोड है, इसका 1 मीटर का डिस्टेंस है, उसका भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए और लोड भी सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। नोट करें इसको। डन सर। डन, ओके। तो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन है रिएक्शन का, इसेंट्रिक लोडिंग का। तो ये लोड मैंने W लगा दिया इस बार, और ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस एल है, एंड ए एंड बी, और लोड कहीं सी पॉइंट पे लग रहा है। मुझे बताएं रिएक्शंस का क्या वैल्यू होगा, निकाल सकते हैं क्या डायरेक्ट देख के? निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते डायरेक्ट देख के, हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और इस तरह के क्वेश्चन, सिंगल लोड वाले क्वेश्चन एसएससी जेई में बहुत बार पूछे हैं, ठीक है? और एसएससी जेई में पूछे हैं तो हमारे यहाँ भी आ सकता है, जेई लेवल सेम हो जाएगा आप, ठीक है? अगर हमें रेफरेंस मानना होगा तो सर, क्या करेंगे? किसी का शोर आ रहा है सर, मैं एक का देखता हूँ किसका आ रहा है, रुको। यहाँ से पता नहीं चल रहा किसका आ रहा है, ठीक है? तो आप जिनका आ रहा है वो खुद ही बंद कर लें प्लीज, ठीक है? ताकि डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर रेफरेंस देखना है तो हम कहाँ देखेंगे जेके एसएसबी का रेफरेंस? हम अब देखेंगे एसएससी में, क्योंकि यूटी बन गया, सेंटर में एड पार कर रहे हैं ये, तो सेंटर का एग्जाम यही है, ये रेफरेंस एग्जाम होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको क्वेश्चन करके जाने हैं, ऐसा नहीं कि यही को पेपर आ जाएगा, पर क्वेश्चन इसके करके जाएंगे हम लोग, ताकि हमारे से कुछ छूटे ना एग्जाम के अंदर, पेपर आ गया यहाँ से।
मैं तो पहले कहता क्वेश्चंस पे तो फोकस कम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, पर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व तो करने हैं ना, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं पहले यहाँ पे एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग कोई भी किताब खरीदते रहें पर एक किताब मेरे कहने पर जरूर खरीदें, ठीक है, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर। इसकी दो पब्लिकेशन आती हैं, दोनों में से कोई भी ले लें, दोनों चलेंगी और डिटेल सॉल्यूशन के साथ होंगी चैप्टर वाइज। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे इसमें, चैप्टर वाइज किताब होगी ये, ठीक है, मतलब कि आपका कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसी टाइम उसी के ऑब्जेक्टिव करोगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ये चैप्टर वाइज किताबें होंगी। और पब्लिकेशन का नाम है पहली मेडिजी और दूसरी आईएएस मास्टर। दोनों में से किसी की किताब मिल जाए आपको ऑनलाइन तो तुरंत मंगवा लें इसको, ठीक है। तकरीबन 700-800 रुपए की किताब होगी, 850 की भी हो सकती है, बट इट इज मस्ट किताब। और दूसरा काम आप ये करेंगे, जो हमारे अदर स्टेट्स के जेई के एग्जाम होते हैं, अदर स्टेट्स के जो जेई एग्जाम होते हैं उनको भी आप फॉलो करेंगे। अभी जैसे लास्ट टाइम एक मंथ पहले ही आपका राजस्थान का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जैसे उड़ीसा का हुआ किसी का तो उसका देखेंगे, एमपी का हुआ तो एमपी का देखेंगे, इसी तरह से हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे दूसरे एग्जाम के, उनको भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के जेई के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये दो काम जरूर करने हैं, बाकी किताब जो मर्जी पढ़ो, कोई भी किताब इतनी वर्थ नहीं है। एक गुप्ता गुप्ता ठीक है किताब, पर एक किताब इतनी बार फॉलो हो चुकी है, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे पर लोगों ने रट ली किताब ये, ठीक है, तभी अब इसके क्वेश्चन फॉलो नहीं होंगे अब, बाकी इसके क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। बाकी खुरमी वुरमी सूद सूद आदि गलत हैं किताबें, तो इनको मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। और क्वेश्चन अच्छा बनेगा आपके पेपर में, खुरमी जैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे अब, इतनी बात का ध्यान रखना। चलो बाकी चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर वन। ये स्टेप नंबर वन मैं इस पर लिखूंगा, अगली बार से नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर वन हमारा होता है कि हम मोमेंट वाली सबमिशन का जो इक्वेशन है उसका यूज करते हैं, किसी भी सपोर्ट के बोर्ड जीरो लेते हैं। लेटर से मैंने किस पे लिया, राइट एंड पे ही जीरो लिया। तो मैंने कहा बताया था आपको कि जब राइट एंड पे जीरो लेंगे मोमेंट का सबमिशन, तो आप काम कहां से करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से। तो पहला लोड कौन सा लेंगे आप, आर ए। मैं क्या लिखूं, आर ए इंटू बी पर जाना है, बी पर। आर ए का डिस्टेंस कितना है, बी से डिस्टेंस एल है। रोटेशनल सेंस कैसा है, रोटेशनल सेंस कैसा है, एरो कहां है इसका, ऊपर। कैसा ले लूं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और डब्ल्यू का कैसा है, एरो नीचे है, तो बी पर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस करना पड़ेगा डब्ल्यू को, डब्ल्यू इंटू क्या लिखूं मैं, डब्ल्यू इंटू बी। क्या समझ आया, डब्ल्यू का डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट तक, स्मॉल बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और आरबी का कितना डिस्टेंस है बी पर, जीरो है, तो उसका मोमेंट तो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। तो इससे मैं क्या लिख पाया, आर ए का वैल्यू डब्ल्यू इंटू बी अपॉन एल, ठीक है। अब आपको पता कि हम दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं स्टेप टू में, और वर्टिकल लोडिंग का बीम है सिर्फ, तो वर्टिकल इक्वेशन ही यूज होगा, और उसके कारण क्या लिख पाते हैं, जो भी लोड ऊपर से आ रहा है दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो इसके कारण क्या लिख पाएंगे, जो आर बी है दैट इज डब्ल्यू माइनस W into B upon, अब L देखो क्या है, L को मैं ऐसा देख सकता हूँ कि L जो है A plus B के बराबर ही है ना, तो मैं यहाँ पे L को लिखूंगा A plus B। इसको जब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा A plus B LCM नीचे, W A plus W B minus W B, तो minus W B और plus W B cancel हो जाएंगे, और RB आपका क्या निकल के आ जाएगा, W into A upon A plus B। अब जो ये दो सोल्यूशन है ना, आपको एग्जामिनेशन में बैठना है तो ये डायरेक्टली याद रखने हैं, आप एक लोड के लिए डायरेक्टली सोल्यूशन याद रखने हैं, इसको क्वेश्चन को करना नहीं है, इनको याद रखना है। और इसको याद रखना बहुत ही आसान है, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करें, अगर आप फोर्स आप रिएक्शन आर ए निकाल रहे हैं और एक ही लोड लगा है, तो आप लोड लें, लोड को मल्टीप्लाई करें आर ए के ऑपोजिट डिस्टेंस से, आर ए के ऑपोजिट डिस्टेंस कौन सा है, बी। और जब आर बी कैलकुलेट करेंगे तो आर बी का ऑपोजिट डिस्टेंस कौन सा होगा, ए। तो जब आर ए लिख रहे हैं तो लोड इनटू ऑपोजिट डिस्टेंस कौन सा है, बी अपॉन टोटल डिस्टेंस ए प्लस बी। और जब आर बी लिख रहे हैं तो आर बी के कारण पहले लोड लिखें, उसके कारण ऑपोजिट डिस्टेंस कौन सा है, ए अपॉन ए प्लस बी। तो ये ट्रिक है याद करने का, और इसको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब भी आपको ऐसा कोई लोड दिखे, सिंगल लोड दिखे बीम पर इस तरह से,
और वो सेंटर में ना लगा हो, तो आप उसके कारण डायरेक्टली इक्वेशंस मतलब डायरेक्टली रिएक्शंस का वैल्यू लिख सकते हैं। अगले पेज में वही प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इसको नोट करें। डन सर। आज क्लास हमारा ब्रेक नहीं हुआ ना बीच में? नो सर। हाँ आज वो हम अपग्रेडेड पैक यूज कर रहे हैं पेड वाला, तो अब ब्रेक नहीं होगा शायद। ठीक है, तो आपकी वो जो इनकन्वीनियंस थी वो हमने ठीक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलें। यस सर। ओके, अब देखें, अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम। ये क्वेश्चन देखें, इस तरह का क्वेश्चन बड़ी बार फ्रेम बहुत बार फ्रेम हो चुका है क्वेश्चन के अंदर, तो आप ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाता हूं यहां पे। आप मुझे बताएं आर और आरबी का कितना वैल्यू होगा, साथ में कॉपी रखें और फटाफट कैलकुलेट करें। ठीक है, बगैर कॉपी के नहीं बैठता किसी ने क्लास में। आर ए 6 किलो न्यूटन और आर बी 4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे किया हमने, हमने अभी आपको याद कराया आर ए कैसे लिखना है। मैंने आपको कहा पहले लोड को लिखें और उसके साथ मल्टीप्लाई का क्या करें, ऑपोजिट डिस्टेंस आर ए का, वो जो कि कितना है 3, और डिवाइड में टोटल डिस्टेंस लिखना है 5। तो ये कितना होगा 5 इंटू 2, तो कितना आर ए हो गया आपका 6। और आर बी क्या करने के लिए क्या करना है, लोड लिखना है और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है ऑपोजिट वाला, ऑपोजिट वाला 2 है और डिवाइड में कितना करना है 5 करना है, और ये क्या हो गया आपका 4 किलोमीटर। तो बड़ी ही तेजी से आपके इस तरह से आंसर आते जाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी ये आराम से ट्रिक लगेगा हमारा, जिसमें 2-3-4 3-4 रोड भी होंगे ना, उसमें भी ये ट्रिक काम करेगा। कैसे करेगा वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल करा रहा हूँ। आई होप ये सबको समझ आया होगा, किसी को समझ नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ ले। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे जितना हमने नॉलेज अभी तक गैदर किया है। वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से निकालें आ रहे यार भी। निकाले सर आप लोग, और निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करें, कमेंट बॉक्स है ना आपका जूम का, उसमें पोस्ट करें। यार लाइन वाइन मत मारो बीच में, किसने मारी है लाइन यार बीच में? आप लोग इंजीनियर्स हैं यार, आप लोग सेंसिबल बिहेव करें एज इफ कि आपकी सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, आज से वो आते डालें जो आपकी सिलेक्शन होने के बाद होंगी। ठीक है, तभी आप उधर तक पहुंचेंगे। सर आर ए 2.5 और आर बी 3.5। आर ए कितना है आपका? 2.5 और आरबी कितना आया? 3.5। ठीक है, लेट अस चेक। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना, देखना मैं आपने कैसे किया, कन्वेंशनल मेथड अप्लाई किया, समीशन मोमेंट किया होगा बीके बोर्ड जीरो। यस सर, यस सर। अब देखो मैं कैसे तेजी से करूंगा इसको, पहले आपको बताने के लिए आस्था करना पड़ेगा मुझे। ये देखो 4 किलोमीटर सेंटर लोड है, सेंटर पे लगा है 4 किलोमीटर। यस सर। 4 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बी पर भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 किलोन्यूटन क्या है? इसेंट्रिक लोड है, तो मैंने समझाया 2 इंटू उसका डिस्टेंस ऑपोजिट वाला अपॉन कितना 4, और यहां पर 2 इंटू उसका डिस्टेंस कितना आ गया
बी कितना है 3/4, दोनों को प्लस कर दो आपका रिएक्शन का वैल्यू आ गया। सर इसको एक बार फिर से समझा जी, थोड़ा सा समझ नहीं है। कोई बात नहीं, ये भी समझा देंगे। क्या तेज आया अब? यस सर। ठीक है फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास सेंटर लोड दिख रहा है मुझे, मुझे सामने दिख रहा है सेंटर लोड कितना है, 4 है। 4 कहाँ लगा है? सेंटर पे। लेफ्ट से भी कितना लगा है? 2 मीटर पे। राइट से भी कितना लगा है? 2 मीटर पे। 2 मीटर। और पीछे मैं पढ़ के आ रहा हूँ कि जो सेंटर लोड होता है उसका क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। दोनों सपोर्ट्स के पास आधा हो गया। अब इनमें कुछ प्लस होना है, प्लस किसके कारण हो रहा है? इसेंट्रिक लोड के कारण। तो आप समझ लें ये आपका इसेंट्रिक लोड लगा है। 4 का, 4 को आपने कॉन्फर कर लिया है। अब मुझे बताओ 2 के लिए A कितना हो गया? 3 मीटर। और B कितना हो गया? 1 मीटर। 1 मीटर। ठीक है, तो इसके कारण रिएक्शन क्या आती है? आपने भी तो लिखना सिखाया, 2 into सामने वाला डिस्टेंस 1/3, तो यहाँ के अपॉन फोर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 4 है और यहाँ पे 2 into 3/4, तो यही तो किया। ठीक है सर, 6/4। इसमें सर हमें दोनों मेथड्स लगे इससे। हाँ बिल्कुल सही, वो ये वाला तेज रहेगा, वो वाला आस्ता रहेगा थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2.5 किलो न्यूटन और ये आपका आ गया 1.5-2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, देखें किस तरह से हम तेजी से क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह से विदाउट वेस्टिंग। एग्जाम के अंदर 10 सेकंड भी बड़े काउंट करते हैं और डेफिनेटली इसको इस तरह की आप जब टेक्निक पे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 10 नहीं ज्यादा सेकंड बचाएंगे। हर क्वेश्चन में 10 सेकंड सेव होंगे तो कितना टाइम बचेगा आपके पास। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब नोट हो गया सबका, ये मैं मिटा दूं? यस सर। ठीक है, अब हमें रिएक्शंस निकालना आ गया वर्टिकल लोडिंग के केस में। ठीक, अब हम निकालेंगे यूडीएल के कारण रिएक्शंस। मैं ना पहले यार रिएक्शंस निकालना सिखाता हूँ, ठीक है? तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है थोड़ा, कि बच्चे को बाद में बिल्कुल परेशानी नहीं आती जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट शुरू करते हैं। ठीक, अगर अभी बीच में शेयर फोर्स भी घुमा दूंगा, बेंडिंग मोमेंट भी घुसा दूंगा, फिर बाद में आपको फिर रिएक्शन निकालना सिखाऊंगा यूडीएल की, तब तक आप चीज़ें भूल गए होंगे थोड़ी सी। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि पहले मैं रिएक्शन निकालना ही सिखा दूँ। ठीक है, तो ये है आपका डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर लोड। यूडीएल के बारे में कल पढ़ा था, इसके यूनिट क्या होता है? किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? आपको रिएक्शन निकालना है। आप रिएक्शन निकाल सकते हैं क्या इसकी? अगर डायरेक्ट निकालनी हो तो मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये भी सिमेट्रिकल लोडिंग है? Yes. अबाउट सेंटर क्या ये सिमेट्रिकल है? अबाउट सेंटर क्या ये सिमेट्रिकल है? Yes, सिमेट्रिकल है। और मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे, देखना थोड़ी बातें करूंगा मैं यहाँ पर। ये आपका रिएक्शन आर ए डेवलप हुआ और यहाँ पे आर बी डेवलप हुआ। ठीक है, अब जो लेफ्ट हाफ को देखो, पहले लेफ्ट हाफ को देखो। ठीक, लेफ्ट हाफ का पूरा लोड कौन संभालेगा? आर ए संभालेगा। तो आर ए का यूनिट क्या होता है? आरए तो फोर्स है ना, आरए का यूनिट क्या होगा? किलो न्यूटन। और लोड तो किस में है? किलो न्यूटन पर मीटर में। मतलब कि यहाँ पे 6 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है टोटल लोड के साथ? टोटल लोड कैसे बनाते हो डब्ल्यू के कारण? आप सिंपली डब्ल्यू को उसके लेंथ के साथ क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर आरए निकालना है तो आप क्या करोगे? डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। तो यूनिट अब बनेगा किलो न्यूटन। अब आपकी क्वालिटी ऑफ यूनिट्स हो गया। और इसी तरह से आरबी भी आपका क्या बचे बनेगा? डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। इसको ऐसा भी मैं सोच सकता था कि पूरी बीम पर यूडीएल लग रहा है डब्ल्यू इंटेंसिटी का, कितनी लेंथ में लग रहा है? एल लेंथ में। तो टोटल लोड कितना आ गया? तो टोटल लोड आ गया डब्ल्यू इंटू एल किलो न्यूटन। और जब टोटल लोड है तो नीचे रिएक्शन कितनी है? नीचे रिएक्शन कितनी है? 2 है। तो, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो लोडिंग तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाफ हो जाएगा। टोटल लोड अपॉन 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी सोच सकते हैं, उस तरह से भी सोच सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। इज इट क्लियर?
और लोडिंग की रिएक्शंस बराबर आ गई क्योंकि सिमेट्रिकल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको ट्राई करें। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं कन्वेंशनल अप्रोच से कराना चाहता हूँ एक बार, ठीक है, उसको समझते हैं कन्वेंशनल अप्रोच को। उसमें कन्वेंशनल अप्रोच में हम क्या करते थे, कन्वेंशनल अप्रोच में किसी भी मोमेंट ले लेते हैं किसी भी पॉइंट पे अबाउट जीरो। तो मैंने सपोर्ट बी पे जीरो ले लिया, तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट, बिल्कुल सही, हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट से। तो क्या लिखूंगा, आर ए इनटू डिस्टेंस कितना लिखूंगा, एल लिखूंगा। रोटेशनल सेंस क्या लिखूंगा, देखो एरो कहां है, ऊपर है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वेरी गुड, क्लॉकवाइज। अब मुझे बताइए जो ये यूडीएल लग रहा है पूरे स्पैन पर, इसका डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ ना। मैंने आपको पहले कहा था, कल समझाया था, जब भी यूडीएल दिखे आपको क्या करना है, यूडीएल को पहले कन्वर्ट कर लेना टोटल लोड में। टोटल लोड में आप देखो आपने कन्वर्ट करके रखा है W into L और किलोन्यूटन है, उसको प्लेस कहां कराना है, CG पर। तो ये देखो मैं आपका यहाँ पे टोटल लोड प्लेस करा रहा हूँ, ठीक है, ये टोटल लोड और ये कितना है W into L किलोन्यूटन। अब देखें, अब ये पूरे UDL के कारण मेरे को लगता, मैंने सोच लिया कि टोटल लोड बन गया है, पूरे UDL का क्या बन गया, मैंने कन्वर्ट कर लिया टोटल लोड, उसको CG पे पोजीशनिंग कर दी है। तो अब मैं देख सकता हूँ लोड की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो रोटेशनल सेंस कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस टोटल लोड लूंगा W into L, ये किलोन्यूटन बना। और हम लिख क्या रहे हैं, हम मोमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, माइंड इट, हम मोमेंट लिख रहे हैं। आरए का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और अभी टोटल लोड ही बनाया है, इसको मीटर के साथ अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो मीटर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ लोड, अब लोड आपने पॉइंट लोड बना दिया, फ्रॉम द पॉइंट जहां पे आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो डिस्टेंस कितना आया, एल बाय टू, इज इट क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या पुट करूं, एल बाय टू, और ये मीटर में होगा, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, किलो न्यूटन मीटर बन गया, ये डिवाइड नहीं लिखा है मैंने, बेसिकली ये मैंने इसका यूनिट लिखा है मीटर, ठीक। क्या कोई और फोर्स बची है, आर बी बचा है, पर आर बी के कारण तो बी पे कितना होगा, जीरो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आर ए इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू एल स्केयर बाई टू। तो एल स्केयर यहाँ पे और एल कट गया यहाँ पे, तो आर ए आपका कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, आप लोगों को याद हो, इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ऑन ए बीम इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी ध्यान देना, हम इसमें क्या लिखते थे, आर ए प्लस आर बी, जितना लोड ऊपर से आ रहा है, तो जितना ऊपर से कितना लोड आ रहा है, टोटल लोड आ रहा है ना, टोटल लोड आएगा ऊपर से, और उसका यूनिट किलोन्यूटन होगा, तभी इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स भी होगा, आर ए क्योंकि होगा, आर ए और आर बी किसमें होंगे, किलोन्यूटन में होंगे। तो आर ए प्लस आर बी, आर ए आ गया डब्ल्यू एल बाई टू प्लस आर बी, टोटल लोड कितना है, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। तो आर बी आपका निकल गया डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, आर बी का वैल्यू आ गया डब्ल्यू एल बाई टू। देखो इस तरह से भी हमारी रिएक्शंस बराबर आ गई, ठीक है। हमें कन्वेंशनल अप्रोच इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अगला जो मैं केस देने वाला हूँ वो इसेंट्रिक केस है, नोट कर लें इसको, ठीक है, या स्क्रीन शॉट ले लें। Done, sir. हो गया, मजा आ रहा पढ़ने में, yes, sir. थोड़ा सा ऐसे बीच में बातचीत करते रहेंगे ना, थोड़ा रिफ्रेश भी देता है, ठीक है, बोरियत नहीं आती। आई थिंक बोर तो नहीं करने दे रहा हूँ मैं आपको, बोर तो नहीं कर रहा ना, नो सर। ये बीच में फहीम बात कर रहा, बीच में क्या, मेरे को आवाज से पहचान ही जा रही है, फहीम तारिक बीच में है नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है, पूरा समझ आ रहा है, कहीं डाउट तो नहीं अभी तक, पूछ सकते हो आप, नो सर अभी डाउट नहीं है, ओके ओके, ठीक है। तो अब आप लोग रिएक्शंस निकालो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब आपको कन्वेंशनल अप्रोच से रिएक्शन निकालना है क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलेगा आप। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसको आप रट नहीं सकते, जो मर्जी कर लो, अगर रटने की कोशिश की होगी तो आपको पता है कि क्या हालत होती है, इसको आप रट नहीं सकते, ये चैप्टर ही ऐसा है, और ये सिविल इंजीनियर को सिलेक्शन हो या ना हो पर ये चैप्टर जरूर आना चाहिए, ये भी बात बताओगे आपको। ये बगैर तो सर सिविल इंजीनियर है ही नहीं, इसके बगैर तो सिविल, मैंने कहा ना जब बेइज्जती करनी होती ना किसी की, मेरे साथ एक लड़का था सिफारिश लेके गया इंटरव्यू में, वो एसयूपी
पीएसयू पता ना आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो थोड़ी मानते हैं सिफारिशें, उसने सिफारिश करी सेक्रेटरी की, उससे क्वेश्चन ही ये पूछा, कहते इसकी तो बहुत बड़ी सिफारिश आई है तो इससे पूछते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, इसको कुछ आता तो होगा नहीं, वो मुंह पे बेइज्जती मारते हैं। ठीक है सर, जब वो इंटरव्यू तक पहुंचा था तो वो नहीं आया फिर उसको सर, जब पहले से सिफारिश करके पहुंचा था? नहीं नहीं, उसको आता था ऐसी बात नहीं है, पर बेइज्जती करते हैं ना अगले यार, वो पीएसयू में बैठे हैं। ठीक है, उनको जो उनका पैनल बनता है पीएसयू में, जब हमने इंटरव्यू दिया था तो उसमें 8 बंदे होते हैं, 8 मेंबर पैनल होता है, 8 मेंबर हमारे पीएससी में भी नहीं होते हैं। ठीक है, 8 मेंबर पैनल होता है और वो सारे लोग ना डायरेक्टर लेवल के होते हैं, डायरेक्टर होगा बीच में सीएमडी बैठा होगा, उन लोगों को फर्क थोड़ी पड़ता है यार किसकी सिफारिश आ रही है। ठीक है, तो वो फिर बेइज्जती मारते हैं इस तरह से, मैं यही कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन रखा होता है बेइज्जती मारने के लिए, तो ठीक है कहीं बेइज्जती नहीं कराना अपनी। तो बता देना पूरा निकाल के बता देना, कोई बेइज्जती करने की कोशिश करे। ठीक है, और सिफारिश भी जगह सोच के करानी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं हर जगह नहीं घुस जाना चाहिए। सही बात है सर। ठीक है, तो आप इसका रिएक्शन निकालें जरा, मैं 2 मिनट के लिए इसमें सर इसका स्पैन एल है। हाँ, स्पैन पूरा एल है और लेफ्ट स्पैन एल बाई टू है। मुझे आर ए और आर बी का वैल्यू चाहिए। आया नहीं वैल्यू अब तक? मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ साथ साथ में, ठीक है, आप लोग देखना कहाँ गलती की आपने। सर और इस बार जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इस बार जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं दोनों साइड से करके करूँगा, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर को एक ही साइड से आता है। ठीक है, इस बार मैं राइट से पहले मोमेंट अबाउट भी लूंगा। अब आप लोगों का आंसर आ गया होगा, उसको संभालें और चेक करेंगे सही किया कि नहीं किया आप लोगों ने। सबसे पहले हम बी पे ले रहे हैं मोमेंट को 0 और स्टार्ट करेंगे हम आर ए से। ठीक है, आर ए से कितना डिस्टेंस लिखूं? आर ए इंटू एल। क्या क्लॉकवाइज है? यस, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज है क्योंकि एरो ऊपर है और यहाँ पे ये जो लोड है ये नीचे की तरफ है, इसके कारण एरो क्या बनता है? नीचे बनता है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब यूडीएल के साथ क्या करना है, हमें कैसा बिहेव करना है? यूडीएल को पहले हमने टोटल लोड बनाना है, तो ये यूडीएल लगा ही एल बाई टू स्पैन तक, तो टोटल लोड बन गया, ये किलोन्यूटन आ गया, इसको मीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस कितना है, यूडीएल की पोजीशन ही कहाँ करनी है, ये टोटल लोड बना डब्ल्यू एल बाई टू, सेंटर कहाँ, यहाँ कर दूं सी पर? नो सर, वेरी गुड, एल बाई टू और एल बाई टू का हाफ, एल बाई टू यहाँ करेंगे और यहाँ पे ये कितना, एल बाई टू का हाफ कितना हो जाएगा, एल बाई फोर, और यहां से भी कितना हो जाएगा, L by 4, L by 4। पर आप मोमेंट कहां लिख रहे हो ये देखो, यहां पे कई बच्चों ने गलती की होगी, कहीं को पता नहीं चलता है, मोमेंट कहां लिख रहे हो, B पे लिख रहे हो। अब आपको जो डिस्टेंस लिखना है टोटल लोड का, वो कहां तक लिखना है, B तक लिखना है, L by 2 और L by 2 प्लस L by 4 करोगे वो डिस्टेंस होता है 3L by 4। ठीक है, तो टोटल लोड का डिस्टेंस आप लोगों ने देखा बी तक कितना, 3L by 4, तो मल्टीप्लाई करोगे 3L by 4, और कोई लोड तो नहीं है, कोई लोड नहीं है, इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट आर ए इंटू एल, एंटी क्लॉकवाइज था तो ही मैंने इसको नेगेटिव लिया था, आर ए इंटू एल इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। एल का स्क्वायर एल कैंसिल हो गया, तो आर ए का वैल्यू आ गया आपका 3 डब्ल्यू एल बाई 8। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन कौन सा लगाता हूँ मैं इसके साथ, summation of vertical force is equal to 0, उसके कारण मैं क्या लिखता हूँ, RA plus RB
किसके बराबर होगा? टोटल लोड के बराबर, और टोटल लोड का यूनिट क्या होता है? किलो न्यूटन, तो W into L by 2. क्या ये समझ आ रहा है सबको? यस सर. टोटल लोड तो W into L by 2 है, W लोड, और उसका स्पैन कितना है? L by 2. L by 2. तो R भी यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, WL by 2 minus 3 times WL upon 8. L से माता लेना, 8 आ गया, 4 minus 3 कितना आ गया? WL. L by 8. तो RB आपका आ गया WL by 8. अब इसको प्लस करके देख लेंगे, ठीक है, क्या बनता है, कि हमारी सही निकली कि नहीं निकली है. तो चेक कैसे करेंगे? 3 WL by 8 plus WL by 8, तो कितना आ गया? 4 WL by 8. तो कितना हो गया? WL by 2. तो टोटल लोड क्या? WL by 2 ही था. ऊपर से लोड कितना लग रहा है? WL by 2 ही लग रहा है टोटल लोड. तो हमने रिएक्शंस की वैल्यू सही निकाली है. तो चेक भी कर सकते हैं. और इस बार मैं लेफ्ट से भी मोमेंट ले रहा हूं, राइट से भी मोमेंट ले रहा हूं, तो एक रिएक्शन निकाल. बीच-बीच में से कट रही है. मेरी बात सुनो, जब आवाज कटती है आप सब लोगों को कटती है या किसी एक को ही कटती है? सबको सर. नहीं, कटती है सबको. कटती है जी. जी सर, सब. एक्चुअली जब स्पीड कम होती है ना, फिर प्रॉब्लम होती है. स्पीड इज वेरी. हम तो यहां ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, तो स्पीड एक्चुअली कम होनी नहीं चाहिए सर. हमें ना सर 2G. सर मैं भी ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूं, जब कटती है तो सर तब कटती है मुझे भी. अच्छा हां सर. तो अब जम्मू में है? जी सर, जोरी. अच्छा, जोरी में चलता है ब्रॉड. देखो यहां तो चार हमारे, तीन तो आ रहे हैं इसमें सिग्नल, है ना. तो चलो कोई बात, जब कटती है तो थोड़ा स्लो डाउन कर लेंगे, और फिर क्या हो सकता है. कभी सर, कभी बीच-बीच में कटती है, अभी तो सही है. अब सही आ रही है, ठीक है. हां सर, कभी कट जाती है. अच्छा, अब मैं जैसे ए पे ही ले रहा हूं, अब हम प्लग कर रहे हैं थोड़ा, हम ए पे ले रहे हैं इस बार मोमेंट. तो अब कहां से काम करेंगे? एक्सट्रीम आरबी से. आरबी से काम करेंगे. ये आपका आरबी आया, ये आपका लोड आया, ये एल बाई टू स्पैन आया, ये आपका आर ए आया. अच्छा, कई बार क्वेश्चंस में ना देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में ना सपोर्ट नहीं बनाता है, ये बना देता है इस तरह से एरो. जी, तो डर नहीं जाना है, ये सपोर्ट ही दिखा रहा है, सपोर्ट की रिएक्शन दिखा रहा है. तो समझेंगे यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है. सिंगल एरो आ रहा है, तो मतलब हिंज भी हो सकता है और रोलर भी हो रहा है. और अगर आपको पता है इस तरह की बीम होगी, अगर दो ही रिएक्शन होगी, तो आपको पता होगा लेफ्ट वाला हिंज है, राइट वाला रोलर है. जनरल कंसेप्शन है, एग्जाम में ऐसा आता है कई बार. लोग कहते हैं ये क्या बना दिया यार, सपोर्ट तो गायब है, सपोर्ट दिया नहीं था सर. फिर आके बोलते हैं सर सपोर्ट तो दिया नहीं था क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है. अच्छा, आरबी चले जाए, आरबी को ले लें, और आरबी से कितना डिस्टेंस चले जाए? एल चले जाए. अब मुझे लेफ्ट से काम किया, तो लेफ्ट से पहला फोर्स कौन सा आया? आरबी. और आरबी के कारण जो मोमेंट सेंस बन रहा है ए पर, वो कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ. क्यों लेता हूँ आगे बताऊंगा. अभी तक टीचर जैसे आपको बताते थे, मैं वही बताता हूँ कि टीचर ऐसे ही बोलते थे, जो पहले आया इसको ले लो पॉजिटिव, यही बोलते थे ना. नहीं सर, वहां बोल रहे थे अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव. हां, वो भी बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं वो मैं आगे समझाता हूं अभी आपको. रुक जाओ थोड़ी देर. अच्छा, अब टोटल लोड बना लो, कितना बन जाएगा टोटल लोड, और लगेगा कहां पे? सेंटर पे. हेलो, एल बाय टू पे टोटल लोड लग गया. जी सर. और टोटल लोड का वैल्यू कितना है, और टोटल लोड का कैसा बनेगा डायरेक्शन? डब्ल्यू एल बाय टू सर. मल्टीप्लाई भी करना है. बच्चे क्या करते हैं, यही करके छोड़ देते हैं. ये किलो न्यूटन मीटर है, मोमेंट लिख रहे हैं हम किलो न्यूटन. तो मल्टीप्लाई किससे करना है? L by 2 के आधे से. L by 2 का आधा कितना है? L by 4 equal to 0. तो देखो क्या रिएक्शन सेम आता है. WL square upon 8. तो L और L कैंसिल हो गया, तो R भी कितना आ गया? WL by 8. आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया, हम किसी भी साइड से काम कर सकते हैं, रिएक्शन का वैल्यूज वही आएगा. देखो यहाँ पे भी आरबी कितना है, डब्ल्यू एल बाई एट है, तो निकाल सकते हो दूसरी इक्वेशन लगा के, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग निकाल लेना, वैल्यू सेम ही आने वाला है. नोट ले लें इसका. बीच में थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक करेंगे, ताकि ठीक है थोड़ा ज्यादा आपको स्ट्रेस ना हो. कंसंट्रेशन किसी टाइम पे के बाद टूटने लगता है.
कोई बात नहीं यार, होता रहता है, सब लोग घर पे बैठे हैं ना, कुछ चलता रहता है घरों में। अच्छा नेक्स्ट चलें। यस अब आप लोगों को इसके रिएक्शन निकालना है। ये यार जो मैं आपसे करवा रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन बनेंगे जेके एसएसबी में, रिएक्शन निकालना। और अगला क्वेश्चन आता है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पहचानो, उधर ये आता है या बेंडिंग मोमेंट पहचानो। वो जब तक रिएक्शन निकालने आएंगे तब तक पहचान नहीं सकते आप लोग, ठीक है? तो इसको बिल्कुल सीरियसली लें क्वेश्चन को, ठीक। और इस बार लोडिंग जो मैं लगाता हूँ, मल्टीपल लोड लगाऊंगा इस बार आप। ये लोड है 2 kN/m और इस बार सेंटर पे भी लोड लगाता हूँ एक, और सेंटर पे लोड लगा है 10 kN। डिस्टेंस रखता हूँ 5 m लेफ्ट से भी और राइट से भी 5 m। जल्दी से निकालें रिएक्शन, देखते हैं कौन तेज निकालता है। 15 सर। 15 सर। क्या नाम है सर आपका? यूनुस सर। अच्छा आपसे बात हुई थी आज, समझे बात को। यहाँ पे दो लोड हैं, यहाँ पे दो लोड हैं, ठीक है? और दोनों ही लोड सिमेट्रिकल बीम बना रहे हैं। एक लोड सेंटर पे है, तो सेंटर पे जो लोड बनता है उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 5 kN/m। और एक लोड यूडीएल है, यूडीएल का टोटल लोड का आधा बनता है। तो यूडीएल कितना बना टोटल लोड? 2 × 10 = 15. पहले यूनिस आप सही बोल रहे थे, फिर आपने आंसर चेंज कर दिया अपना। मुझे लगा था ऊपर 10 नहीं 20। दिस इज अगेन 15 kN। तो आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं जब तक हमें सिमेट्रिकल बीम का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ठीक। मैं एक लोड और लगा देता हूं यहां पर। ठीक है, और इस लोड को मिटा देता हूं, और ये लोड लगाता हूं मैं 5 kN। अब निकालें जरा। सर इसकी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस लो ना, वही ना, मैं सोचा निकाल भी दिया होगा अब तक तो। मैं वेट कर रहा था कि कौन बोलता है आंसर। नेटवर्क नहीं है। दूसरा डिस्टेंस 9 m हो जाएगा। वो तो 9 हो जाएगा। अच्छा मांग ले तो सब कुछ मांग लो, है ना? ये 9 है। 19.5 आ रहे। आ रहे 19.5। लेट्स जस्ट चेक। अब मैंने आपको सिंपल टेक्निक सिखाया था, ये सेक्टरिंग लोडिंग में सिखाया। दूसरा कितना है सर? दूसरा देखो यार, दूसरा डिस्टेंस सर टोटल 10 है ना, टोटल 10 है तो माइनस 1, ठीक है ठीक ठीक माइनस 1 कर लें, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं नहीं होता रहता है। अच्छा पहले मैं यूडल के कारण लिख लेता हूं। यूडल कितना है? 2 × 10 / 2 करना है, टोटल लोड का आधा करना है ना, टोटल लोड डिवाइड बाय 2 ड्यू टू यूडल। ये आ गया इसका एरो अपवर्ड। और दूसरा एरो किस, दूसरा एरो किसका? एसेंट्रिक लोडिंग का। तो मैंने समझाया एसेंट्रिक लोडिंग को कैसे डील करना है। 5 × b कितना बन गया इसका? 9 बन गया। 5 × 9 अपॉन कितना करेंगे टोटल? 10 कितना हो गया? 10 + 4.5 = 14.5। कोई 19.5 बोल रहा था सर। इसमें आपने वो लोड लगाया था ना सेंटर, मैंने वो से कैलकुलेट किया था। अच्छा उससे किया, कोई बात कोई बात। अच्छा वो 5 एक्स्ट्रा हो गया, यस कोई बात नहीं। आर ए कितना हो गया? 19.5। और आर बी कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, आर बी भी सेम तरीके से कैलकुलेट करूंगा। यूडीएल के कारण 10 आएगा और पॉइंट लोड के कारण 5 × 1 / 10, ठीक है? 10. तो कितना हो गया ये? 10.5 kN, ठीक है? एक बात को हमेशा याद रखेंगे, जिस जो भी, जैसे देखो यहाँ लोड किसके पास है? सपोर्ट ए के पास है। ज्यादा किसके करीब है? सपोर्ट ए के करीब है। सपोर्ट बी के दूर है, दूर है। तो सपोर्ट ए का वैल्यू जो होगा रिएक्शन तो वो बड़ा होगा, ठीक है?
Is it clear? Yes, sir. तो 19 कैसे था? ये 14 आएगा. 14 है. 14 आएगा. वो बीच में बोल रहे थे ना 19 बोला तो मुझे गलती से लिख दिया. ठीक है. कभी कभी हम भी गलती करते हैं यार. ठीक है. ओके. डन. एक और क्वेश्चन करें. सर ये 10.5 वाला समझा दीजिए. ये आर भी नहीं. अच्छा समझाना है आपको. मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी सेंट्रिक लोडिंग होगा इस तरह से. ठीक है. जैसे कि यहाँ 5 है तो इसके लिए ए यहाँ पे 1 मीटर बन रहा है और बी कितना बन रहा है 9 मीटर बन रहा है. ठीक है. ये वैल्यू ठीक है क्या? ठीक है बिल्कुल. आर भी का सर पहले लोड को लिख लो ऑपोजिट वाला डिस्टेंस देखो और डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस कर दो. तो वही किया 5 × 1/10. तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10. ये हाफ हो गया तो 10 में प्लस कर देंगे तो हाफ कितना हो गया 10.5. इज इट क्लियर? क्या आप लोग कर पा रहे हो? यस सर. थैंक यू सर. हम 2 ऊपर ले रहे थे सर. थैंक यू सॉरी. अगर आप ऐसा करते रहेंगे ना ऐसा तो आपके क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट ज्यादा चलेगा जाएगा. ठीक है. तो 1 मिनट का बहुत कीमत होता है क्वेश्चन में. ठीक है. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम क्वेश्चन को तेज कर सकते हैं. हो गया. नेक्स्ट चलें आगे. यस सर. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रिएक्शन. जीवीएल के कारण जीवीएल लोड मैंने कल पढ़ाया था आपको. कैसा दिखता है? ट्रायंगल जैसा. लीनियरली वेरिंग होता है. हाँ लीनियरली वेरिंग होता है. 1 डिग्री स्लोप होता है. ठीक है. और इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ होता है? एक एंड पे और मिनिमम इंटेंसिटी दूसरे एंड पे. या सेंटर पे भी मैक्सिमम डेंसिटी हो सकता है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. सेंटर वाला भी बना लेते हैं. आप एक काम करें मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ. ठीक है. और आप 5 मिनट के ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो आप लोगों के रिएक्शंस रेडी होने चाहिए. यहाँ पर ये डिस्टेंस एल है कम्प्लीट और यहाँ एल बाई टू है. ये भी एल बाई टू है. दोनों केसेज में रिएक्शन का वैल्यू क्या आएगा वो आप मुझे बताएंगे. और इसे आप डब्ल्यू क्यू न्यूटन पर मीटर मान लीजिए और इसे सेंटर ऑर्डिनेट डब्ल्यू क्यू न्यूटन पर मीटर मान लीजिए. ठीक है. दोनों केसेस में क्या वैल्यू आएगी रिएक्शंस की आप नोट करके रखें. मैं क्लास को म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है. Thank you.
हां जी सर। हां निकाली रिएक्शंस आप लोगों ने? जी सर। जी सर। क्या आया लेफ्ट रिएक्शन? लेफ्ट वाले केस में रिएक्शन क्या आया? डबल एल बाय 3 डबल एल बाय 6 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 3 और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 3 सर। आर ए डब्ल्यू एल बाय 6 आर बी डब्ल्यू एल बाय 3 आर ए आर ए डब्ल्यू एल बाय 3 लेफ्ट वाले डब्ल्यू एल बाय 3 डब्ल्यू एल बाय 6 आर बी डब्ल्यू एल बाय 6 मुझे लगता है ए पे डब्ल्यू एल सिक्स आएगा। डब्ल्यू एल बाई 3 ज्यादा है ना, डब्ल्यू एल बाई 6 कम है, ज्यादा कंसंट्रेशन इस वाली साइड होगी। ठीक है, ये जो लॉजिक बोल रहे हैं बीच में बिल्कुल सही लॉजिक है। ठीक है, लोड ज्यादा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? टूवर्ड्स ए सपोर्ट, तो ए सपोर्ट का डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, राइट सपोर्ट का डिनोमिनेटर बड़ा है, दोनों वैल्यूज करेक्ट है। करवा दूं क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर, ये रिएक्शन वाला करवा दो। देखिए वापस से वैसे किया, सबमिशन किसी भी सपोर्ट के ऊपर जीरो ले लिया हमने। जिनके माइक से नॉइस आ रही है वो थोड़ा सा प्लीज माइक ऑफ कर दें अपना थोड़ी देर के लिए। हमने सबमिशन मोमेंट बी के अबाउट जीरो ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने आर ए फोर्स माना अपवर्ड, तो आर ए के कारण बी पे कैसा मोमेंट बनेगा? क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ एरो है, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज बनेगा। और लोड के कारण कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे तो आर ए से बी की तरफ जाना है, तो आर ए इंटू एल डिस्टेंस हो गया पूरा। तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया। आवाज कट रही है? सर आ रही है, अब आ रही है सर। माइनस माइनस टोटल लोड लिखेंगे। अब हमने आपको पहले कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स को क्या ट्रीट करते हैं, हम कैसे ट्रीट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स को, उनका टोटल लोड बनाते हैं। और टोटल लोड कैसे बनता है? एरिया से बनता है, एरिया फ्लो रेट डायग्राम से, कितना हाफ इनटू बेस अल्टीट्यूड इनटू एल्टीट्यूड w किलो न्यूटन पर मीटर। और हम मोमेंट लिख रहे हैं तो यहां पे भी यूनिट सिर्फ किलो न्यूटन बना है, तो इसको फिर कहां हम लगा देते हैं? इसकी सीजी पर। जी सर। और सीजी पे टोटल लोड लगाते हैं, और किस जिस पॉइंट पर लिख रहे होते हैं, बी पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो वहां तक का डिस्टेंस लेते हैं। अब लड़के कहीं क्या करते हैं कि टोटल लोड तो बना देते हैं, डिस्टेंस ए वाला ले लेंगे, वो ए वाला, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? ये 12/3। तो इसके साथ डिस्टेंस कितना होगा? 12/3। ये ना यही गलती है, पता रहता ना कहाँ गलती करोगे आप लोग। ठीक है, तो आर ए इंटू एल माइनस क्या हो गया? डब्ल्यू एल बाई टू इंटू 12/3 इक्वल टू जीरो। इट इंप्लाइज दैट आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्केयर अपॉन 3L। इट इंप्लाइज दैट आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 3। इज इट क्लियर ना? जो बड़ा वैल्यू है रिएक्शन का वो सब लोड के पास में आएगा। और जो रिएक्शन के वैल्यूज है ना, आपको ये इनको नोट रखना है, ये स्टैंडर्ड केसेस है हमारे, इसको याद रख लेना है। आपने इसको एज इट इज याद कर लेना है कि डब्ल्यू एल बाई 3 आता है जहां पे लोड की वैल्यू ज्यादा होती है, जहां कम है वहां पर डब्ल्यू एल बाई 6 आता है। ये आप डायरेक्टली याद रखोगे तो क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि यहाँ पे आर ए का वैल्यू कितना आएगा। तो टाइम बहुत सही होता है। कौन किया? ठीक है, और दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए वी यूज अनदर इक्वेशन, दैट इज वर्टिकल फोर्सेस का सबमिशन जीरो। और हम जानते हैं कि आर ए और आर बी मिलकर किसको रोकेंगे? टोटल लोड को, जो भी ऊपर से आ रहा है। टोटल लोड क्या है? हाफ WL by 2 into altitude। RB का वैल्यू क्या हो जाएगा? WL by 2 minus RA WL by 3। LCM ले लेंगे 6। 2 into 3 3 WL minus 3 into 2 minus 2 WL। तो RB का वैल्यू कितना आ गया? WL by 6। देखो ठीक है, कल मैंने आपको यहां तक समझाया था कि टोटल लोड की पोजीशनिंग करनी है और उसका डिस्टेंस लेना है व्हाइल टेकिंग मोमेंट्स। तो देखो कैसे आप मोमेंट में इसका यूज कर रहे हो। ठीक है, दिस इज टोटल लोड, दिस इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिसको नोट नहीं हुआ है वो नोट कर ले पहले। तो ये आर ए डब्ल्यू एल बाई 3। हाँ जी, दूसरे केस में, दूसरे केस में पहले डब्ल्यू एल बाई 4 सबका हो गया, ये अलग हो गया सबका टोटल
अच्छा बीच में प्लीज थोड़ा कम बोले, अगर आपको बोलना है तो माइक ऑफ करके बोले प्लीज। ये देखो ये सेंटर लाइन है, क्या सेंटर लाइन क्या बॉक्स सिमेट्रिकल है बीम, क्या मेरी इमेज बन रही है? यस सर एग्जैक्टली मेरी इमेज बन रही है। यस सर अब जो भी, अब लेफ्ट वाला हिस्सा किस सपोर्ट का हो गया? लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया आर ए, और राइट वाला किसका हो गया? आर बी का। आर बी का। ऐसे भी सोच सकते हैं दूसरे तरीके से कि टोटल लोड बीम पे कितना लग रहा है, टोटल लोड ऑन बीम वो ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 इनटू बेस 1/2 इनटू डब्ल्यू इनटू एल इनटू डब्ल्यू इनटू डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, तो कितना हो जाएगा WL by 2 टोटल किलो न्यूटन हो गया, WL by 2 किलो न्यूटन इसका टोटल लोड हो गया। अब देखो बीम सिमेट्रिकल है तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, इक्वल इक्वल आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोड डिवाइड बाय 2, तो कितना रिएक्शन हो गया WL by 4 किलो न्यूटन। ठीक है, ये जो रिएक्शंस की वैल्यू है ये भी आपने एज इट इज याद रखनी है, इनको नहीं भूलना है, स्टैंडर्ड केस है हमारे, इनको याद रखना। नोट हो गया? यस सर। चलो मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जेई के अंदर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2014 जेई एसएससी। ठीक, इस क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, R is equal to 20, R B is equal to 10. क्या आंसर होगा? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसका हमने पढ़ लिया है। अगर आरबी निकालना है, आरबी निकालना है तो ऑपोजिट डिस्टेंस को टारगेट करें, लोड लिखें, लोड है 30, ऑपोजिट डिस्टेंस है 1 मीटर डिवाइड बाय टोटल स्पैन, तो ये 10 हो गया और आपका रिएक्शन कितना आ गया 10 किलोमीटर। देखो इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जे लेवल में मैक्सिमम टाइम्स बनते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन ए में नहीं बनेंगे, ठीक है ना, ए में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बनना तो अच्छा ही चाहिए, अब हमारे स्टेट वाले क्या करते हैं कई बार इससे भी खराब बना देते हैं। तो आंसर क्या है इसका, डी। आगे समझ आप लोगों को? ठीक है, अभी आपको रिएक्शन निकालना आ गई। फोर्थ टाइप ऑफ लोडिंग मैंने आपको कल बताया था, वो कौन सा था? इस तरह का मोमेंट लोड। उसका जब मैं पूरा केस इकट्ठा ही कराऊंगा, इसका भी रिएक्शन निकालना नहीं सिखाऊंगा, ये बाद में पूरा कंप्लीट केस इकट्ठा होगा, तो रिएक्शन निकालना आपको आ चुके। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं शियर फोर्स डायग्राम की ओर।
पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ शेयरफुल डायग्राम की, आप लोग भी साथ साथ में लिखेंगे ठीक है अपने कॉपी पर। डेफिनेशन इसका इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पूछेगा पर समझना जरूरी है ठीक है। तो ये ऊपर डेफिनेशन है और नीचे इसका साइन कन्वेंशन है, लिखिए आप लोगों ने, जब लिख लें तो बताएंगे। सर आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेगा ना? ये भी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में जब हम लेक्चर खत्म करेंगे आज। सर आज कुछ मैसेज आई थी पहले, पता नहीं टेलीग्राम ग्रुप में, इसमें 8:30 से क्लास होगी। जी सर ये हुआ था आज, 8:30 से क्लास होगी टेलीग्राम ग्रुप में आए थे हमारे सर, टेलीग्राम में या इसी में जो ऐप है इसी में 8:30 से 11 तक। अच्छा अच्छा वो यार वो आप वो तो सबको जनरल मैसेज गया था जिन एनरोलमेंट्स के लिए। हाँ तो उसमें मैंने टाइम हमेशा यही बोला कि 8 से 8:30 के बीच में किसी टाइम भी शुरू कर सकते हैं। क्या है ना कि हमें हम कई बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं, घर आ रहे होते हैं, तो वो आधे घंटे का विंडो रखा है हमने ठीक है। तो आप ऐसा लेके चलें कि 8 बजे आप तैयार बैठे और 8:30 के तक आपकी क्लास लग जाएगी ठीक है। जैसे आज 8:15 लग गई, हो सकता है कल 8 बजे शुरू हो जाए, हो सकता है परसों 8:30 शुरू हो, इस तरह से ठीक है। आधे घंटे में हम लोग विंडो लेके चलते हैं क्योंकि अब आना होता है बाहर से, पता नहीं होता ट्रैफिक का क्या चल रहा है और यहाँ जम्मू में बहुत ट्रैफिक होता है ठीक है। ये नोट हो गया सबका? यस सर। अच्छा अब समझेंगे शेयर फोर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। शेयर फोर्स क्या था? शेयर फोर्स एट अ सेक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। ट्रांसवर्स फोर्सेस मैंने कल बताया था, ट्रांसवर्स फोर्सेस क्या होती है कि अगर ये बीम है तो बीम के जो इस तरह से लेटरल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, ऊपर से लोड आ रहा है y एक्सिस में, तो ये y एक्सिस में जो लोड लग रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लोड कहते हैं ठीक है। इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। या तो उसके राइट पे होंगी रिजल्टेंट, या तो उसका रिजल्टेंट किसका देखना है? लेफ्ट सेक्शन का देखना, मतलब रिजल्टेंट देखना या तो लेफ्ट का देखना या तो राइट का देखना। या तो शियर फोर्स आप पढ़ते होंगे जस्ट लेफ्ट और शियर फोर्स जस्ट राइट। शियर फोर्स की किसी पॉइंट पे वैल्यू दोनों साइड पे जैसी भी हो सकती है ठीक है। जैसे इस केस में मैं बात करूं, अब समझना डेफिनेशन अभी आपको समझ आएगी। ये देखना यही बीम हम पहला केस पढ़ रहे थे, इसमें लोड डब्ल्यू सेंटर पे लगा हुआ है L/2 पे। अगर मैं बात करूं
शेयर फोर्स की बात इस सेक्शन पर, ठीक है, इस सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स क्या ऊपर जा रही, कितना जाएगा W बाई टू रिएक्शन आर, ठीक है, और राइट W बाई टू ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरह से, और बीच में कोई लोड नहीं है, कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है, नीचे कितना आया W, तो प्लस W बाई टू ऊपर थी तो उसमें माइनस W करेंगे तो कितना बच जाएगा W बाई टू माइनस, ठीक है, ये शेयर फोर्स डायग्राम में हम बनाएंगे अभी, मैं बस ये समझा रहा हूं कि ये जो वैल्यू है देखो इस सेक्शन पे, डी सेक्शन पे, डी सेक्शन के लेफ्ट में भी वैल्यू कितनी है और राइट में वैल्यू कितनी है, प्लस W बाई टू, इज इट क्लियर, पर ये पॉइंट को देखो, सी पॉइंट को, सी पॉइंट के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, जस्ट लेफ्ट में प्लस W बाई टू, और जस्ट राइट में कितनी वैल्यू है, माइनस W बाई टू, समझ आई बात, जब भी आपने शेयर फोर्स को देखना है तो अगर इस तरह से वैल्यू चेंज हो रहा हो तो फिर रिपोर्ट कैसे करेंगे, शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट या फिर शेयर फोर्स जस्ट राइट, और इस डी के पॉइंट के केस में दोनों जगह ही क्या आ रहा है, W by 2 प्लस का और यहाँ पे W by 2, तो मैं डी पे सीधा सीधा बोल सकता कि शेयर फोर्स एट डी इज इक्वल टू प्लस W by 2, पर मुझसे कोई कहेगा सी पर क्या है, तो मैं उससे पूछूंगा कि जस्ट लेफ्ट की बताऊं या जस्ट राइट की बताऊं, क्योंकि जस्ट लेफ्ट में प्लस W by 2 है और जस्ट राइट में कितनी है, माइनस W by 2, बात आपको समझ आई, समझ आ गया, अब इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे शेयर फोर्स जगह बनाते कैसे हैं, ठीक, फिर मैं आपको बाद में साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा इसका, अच्छा हमारा लोड केस होता है ये, दिस इज द बेसिक लोड केस जिसमें W लोड लगे और आपको पता है कि रिएक्शन आता है W बाई टू और W बाई टू, इज इट क्लियर, सबसे पहला स्टेप होता है शेयर फोर्स डायग्राम बनाने का, ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो बेस है उसके बराबर एक लेंथ खींच लो, अगर ये L है तो L के बराबर आपने लेंथ खींच लेनी है, और मेरी टेक्निक के हिसाब से अगर आप पहले कुछ सीख के बैठे हैं तो उसको भूल जाए, अब उसको याद नहीं रखना क्योंकि ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग करते हैं, अब क्या करते हैं बच्चे कहीं घर जाके कोई और किताब खोलेंगे फिर बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ और किया कुछ और किया, आंसर सबसे एक ही आता है, ठीक है, मेरी जो टेक्निक है उसमें आप हमेशा स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, हमेशा, तो जब हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे जो ये साइन कन्वेंशन में लिख रखा है ना नीचे वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा, ये साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा, अब जैसे ही मैं एंड ए पे आया मैंने कहा हमेशा स्टार्ट करें लेफ्ट से, तो सबसे एंड क्या है, लेफ्ट ए सबसे स्टार्ट है यहाँ पे, और हम देखेंगे कि ए पे क्या हो रहा है, एट ए पे वर्टिकल लोड ऊपर है, कितना W बाई टू, जो भी लोड या रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा वो शियर फोर्स में क्या कॉज करेगा, जंप कॉज करेगा, शियर फोर्स डायग्राम जंप करेगी बाई अमाउंट, कितनी अमाउंट से, जितना उसके रिएक्शन का खुद वैल्यू होगा, तो शियर फोर्स यहां से कितना ऊपर चला गया, जितना खुद वैल्यू है कितना है W by 2, W by 2, अब देखें, अब समझें, A से लेके C तक क्या कोई लोड एक्ट कर रहा है बीच में, नो लोड एक्टिंग, तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो कॉन्स्टेंट रखाने के लिए हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, कहां तक करेंगे, अप टू सी तक, सी तक लोड नहीं है ना, तो अब जब सी पे पहुंचे तो सी पे एक डाउनवर्ड लोड दिखा आपको, जी ठीक है, तो एट सी आपको क्या हो गया, डाउनवर्ड लोड दिखा, वो कितना वैल्यू है उसका डब्ल्यू, तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड लोड क्या कॉज करता है शेयर फोर्स डायग्राम में, क्या कॉज करता है, ड्रॉप कॉज करता है, ड्रॉप कॉज करता है आपकी, अब देखो इसको कैसे देखेंगे, आपकी शेयर फोर्स चल किस में रही थी, आपकी शेयर फोर्स चल रही थी प्लस W बाई टू में, ड्रॉप कितना कॉज हुआ, W मैग्नीट्यूड का, ड्रॉप भी उतना कॉज होगा जितना W होगा, ड्रॉप होगा कॉज W मैग्नीट्यूड का, और कितना नेट बच जाएगा, माइनस W बाई टू, इसी तरह से मैं प्लस से नीचे आ जाऊंगा, डायरेक्टली नीचे आ जाऊंगा और कहां ले जाऊंगा, माइनस W बाई टू में, नीचे वाली साइड आ गई तो मतलब माइनस साइड आ गए, अगेन देखें सी से लेके बी तक कोई लोड नहीं, तो शेयर फोर्स अगेन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और जैसे ही आप बी पॉइंट में पहुंचेंगे एक वर्टिकल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर जाता हुआ रिएक्शन क्या करता है, सेम अमाउंट से ऊपर ले जाएगा
और जंप कवर्स करा देगा। जो शेयर फोर्स का डायग्राम लाइन के ऊपर बना उसमें पॉजिटिव साइन डाल दें, जो शेयर फोर्स का डायग्राम लाइन के नीचे बना उसमें नेगेटिव साइन डाल दें। तो ये आपका तैयार हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब बात को समझना, अभी देखना, अटेंशन मत तोड़ना अपनी। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपसे आपके साथ करने वाला हूँ, यहाँ समझना। अगर मैं पूछूं कि शेयर फोर्स एट सी कितना है तो आप क्या आंसर बोलोगे? आप बोलोगे सर पहले बताओ पूछा कहाँ पे। तो जस्ट लेफ्ट की बात की तो जस्ट लेफ्ट में कितना है, प्लस डब्ल्यू बाई टू, और शेयर फोर्स एट सी जस्ट राइट वो कितना है, माइनस डब्ल्यू बाई टू। ये बात समझ आ रही है। मैं दूसरी बात यहां पूछूंगा कि शेयर फोर्स एट डी कितना है। डी पॉइंट ये ले लो, आप डी पॉइंट ये ले लो और ई पॉइंट ये ले लो। तो डी पॉइंट पे कितना है, तो आप देख रहे हैं कि डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में भी प्लस है और जस्ट राइट में भी प्लस है, प्लस डब्ल्यू बाई टू। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि वी डी जो है दैट इज डब्ल्यू बाई टू किलोन्यूटन। समझ आ रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वी कितना है, शेयर फोर्स एट वी कितना है, तो आप लिखेंगे वी का वैल्यू है माइनस डब्ल्यू बाई टू किलोन्यूटन। ठीक है, ये समझ आ गई बात आपको। ये प्लस माइनस का साइन का क्या चक्कर है वो आपको नीचे से समझ आएगा। अब देखना साइन कन्वेंशन, शियर फोर्स एट ए सेक्शन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है? हेलो, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा, तो आई आवाज? आवाज गई अभी नहीं आई? आवाज आई आपको? यस, कट कट क्या रही सर? कट क्या रही, थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं तब तक अब साइन कॉम्बिनेशन पढ़ो। कट गई सर। आवाज आ रही है? यस सर। आप बता नहीं नेट को क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, हमारी स्टेट में शुरू होगा 4G की नहीं कभी सर, कभी नहीं। पहले ब्रॉडबैंड सबको लगाना है फिर हो जाएगा। मुझे 4G चल रहा है लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ रहा। जब तक कि जियो फाइबर हर जगह नहीं पहुंचेगा तब तक 4G इम्पॉसिबल है। अब जियो फाइबर ही लगा दी लेकिन साउथ में उसको भी बैन रख गई। अच्छा, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, हम कहां तक डिस्कशन कर लिया था, हमने कहां तक डिस्कस किया था? मैं आपको बेसिकली स्लोप बनाना सिखा रहा था शेयर फोर्स डायग्राम की। ठीक है, और यहां पे ऑर्डिनेट पे पहुंच गए थे हम। यहां पे मैंने बताया था कि बी पे कैसे आया है माइनस डब्ल्यू बाई टू। ये आपको समझ आ गया सबको? ये समझ आ गया सबको? ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डायग्राम बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम यूडीएल पे, फिर ऑफ करते हैं आज। रिकॉर्डिंग देखना चालू है ना? यस सर, यस सर, चालू। हाँ सर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन की भाषा। एक क्वेश्चन देखना एग्जामिनेशन की भाषा में। ठीक है, लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है। आई थिंक ये यूपीएससी में या गेट में पूछा हुआ ऑलरेडी। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, तो हम लोग इजी क्वेश्चंस तो टारगेट कर ही रहे हैं। ठीक है, अपने साथ चाहे किसी का कोई भी एग्जाम हो। तो क्वेश्चन लिखता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज यूडीएल ऑफ 60 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द इंटायर स्पैन। What is the value of shear force over the entire span of 10 meter? What is the value of shear force at mid span? बताएं जरा क्या value होगा? Option A zero होगा, zero. Zero. जीरो
ठीक है, तो कैसे बोल पाए आप जीरो, क्योंकि अभी आपने देखा अभी क्वेश्चन किया तो बोल पाए बहुत ही आराम से। आप लोग हमेशा याद रखना कि कितना भी यूडीएल का स्पैन हो, वॉट एवर मे बी द स्पैन ऑफ यूडीएल, ठीक है, कितना भी स्पैन हो, ठीक, इस केस में तो 10 मीटर है, और कितना ही बड़ा लोड लगा हो 60 किलो न्यूटन पर मीटर, हमेशा जो यूडीएल का आपका डायग्राम बनेगा वो आपका सेंटर से इस तरह से लोड जाएगा, ठीक है, सेंटर से आपका शेयर फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। और ये बात कब तक वैलिड है, ये बात तभी तक वैलिड है जब तक हमारा बीम, जब तक हमारा बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और लोड क्या है, यूडीएल है। जैसे ही मैं बीम चेंज कर दूं या यूडीएल चेंज कर दूं तो ये कहानी सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इन दिस केस शेयर फोर्स एट सेंटर इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में बड़ी फैंसी वैल्यू लिखता है ताकि कंफ्यूज करे आपको, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जेई लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, 100% बन सकता है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, नोट कर लो इसको। और आपने ये वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड केस की हमेशा याद रखनी है कि अगर डब्ल्यू लोड लगा होगा तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा उसके ऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर से ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरह से ये डब्ल्यू एल बाई टू होगा और ये भी डब्ल्यू एल बाई टू। और जहां पर अपना शेयर फोर्स साइन चेंज करता है ना, जहां पर अपना शेयर फोर्स साइन चेंज करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे अपना शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, कंट्राफ्लेक्चर को बेंडिंग मोमेंट में द पॉइंट, मैं सब समझा दूंगा, कंट्राफ्लेक्चर क्या है, इन्फ्लेक्शन क्या है, द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यस सर। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना समझना, क्वेश्चन ये बोलेगा बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वेयर शेयर फोर्स इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी वेयर शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी वेयर शेयर फोर्स changes its sign, option D none of the above, क्या आंसर होगा, C shear force changes its sign। अब दुख की बात पता क्या है, दुख की बात यह है कि इन क्वेश्चनों में कई बुक्स में ये भी आंसर सही कर रखा है, वो इत्तेफाक है कि यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो गया, ठीक है, वो इत्तेफाक है यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो गया, पिछले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वहां पे भी तो साइन चेंज हुआ था, yes, और यहाँ तो जीरो नहीं, यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो नहीं था, तो फिर मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हैं कुछ किताबें वो गलत है, ठीक है, ये गलत आंसर है। हाँ, अगर आपके पास ये आंसर ना दिया हो क्वेश्चन के अंदर, लेट से कि ये आंसर ना दिया हो और फिर ये ऑप्शन अवेलेबल हो, तो फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की क्वेश्चन की भावना, जो क्वेश्चन डाल रहा है उसकी भावना को समझेंगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, अगर सर डायग्राम के साथ दिया हो तब तो होएगा ना, दोनों है नहीं तो फिर आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, फिर तो ए ही लगाओगे ना, कोई मार्क करना है तो, समझ आ रही है मेरी बात, आंसर सही क्या है, वेयर शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, साइन। और कुछ कुछ डायग्राम्स, ये देखो ये पार्शियल नॉलेज होती है, आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूँ मैं, कुछ केस के अंदर कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगी नहीं, साइन चेंज नहीं करेगी, तो क्या वह मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन ही चेंज नहीं करेगी तो वहां पे भी तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, पर ये बात जो होती है कि जहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ये वहीं पे होगा जहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रही होगी जिस डायग्राम में, लेट अस से मैं आपको दिखाता हूं वो डायग्राम जहां पे साइन चेंज नहीं करेगी, मेरे पॉइंट को गेट कर रहे हैं आप लोग,
सर ये बन गई शेयर फोर्स की डायग्राम और यहाँ तो पॉइंट यहाँ तो शेयर फोर्स साइन ही चेंज नहीं कर रही अपना कोई बता देगा किसकी डायग्राम है कौन सी क्या लोडिंग केस और क्या डायग्राम है ये अभी मोमेंट लगी है मोमेंट लगी है अच्छा इसकी बना लो जरा इसकी बना लो अगर ये लोड पी है तो नीचे से रिएक्शन भी कितना आएगा एक ही सपोर्ट है एक ही रिएक्शन को लेना पड़ेगा सारा का सारा लोड तो कैसी बनेगी शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे नहीं बनेगी शेयर फोर्स डायग्राम पी और पी आर इक्वल टू पी अभी कराऊंगा मैं आगे ठीक है मैं तभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सही बताएं ये पर डायग्राम इस केस में भी ऐसी बनेगी और अगर मोमेंट लगेगा ना अगर मोमेंट लगेगा जैसे आप में से कोई बोल रहा है कि मोमेंट लगेगा तो उस केस में शेयर फोर्स डायग्राम ये बनेगी डब्बा भी नहीं बनेगा आपका बात समझ आ रही है और इस लोड के कारण मोमेंट यहां मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर और ये इसकी बेंडिंग मोड डायग्राम बनेगी तो देखो आया ना बेंडिंग मोड मैक्सिमम एक पॉइंट पर और यहाँ पे तो साइन चेंज हो नहीं रहा था तो ये हमेशा सही नहीं होती बात ये हमेशा ये बात तभी सही है जब शेयर फोर्स के अंदर साइन चेंज होगा अगर शेयर फोर्स के अंदर 10 जगह साइन चेंज हो रहे हैं ऐसे अगर शेयर फोर्स आ रही है ऐसे तो ये तो बहुत सारे पॉइंट हो गए जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करी है तो सभी पॉइंट्स पे क्या मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट नहीं इस केस में हमें हर पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम है समझे मेरी बात को हमें अब होगा किसी एक ही पॉइंट पे इन पांच पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे होगा अगर शेयर फोर्स अपना साइन कहीं चेंज कर दे ना तो इसका मतलब उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है और जब ये दो पॉइंट बन गए इस तरह से तो मतलब दो में से एक है कोई पॉइंट वो फिर कहीं और नहीं हो सकती पर अगर शेयर फोर्स अपना साइन ही चेंज नहीं करे तो फिर कहां होगी वो हम कह नहीं सकते आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा समझ रहे हैं बोलो यार आगे समझ तो हेलो आवाज नहीं आ रही आप लोगों की आप खुद नहीं बोल रहे हैं नेटवर्क में प्रॉब्लम है कोई जी सर समझ आया सर ठीक है तो आज इस नोट पे हम यही जी हम कहां तक थे आवाज आ रही है यस सर आप बता दें नेट को क्या हो रहा है चलो कोई बात नहीं हमारे स्टेट में शुरू होगा 4G की नहीं कभी सर कभी नहीं पहले ब्रॉडबैंड सबको लगाना है फिर हो जाएगा मुझे 4G चल रहा है फर्क कोई नहीं पड़ रहा नहीं पड़ रहा नहीं पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ रहा जब तक कि जियो फाइबर हर जगह नहीं पहुंचेगा तब तक 4G इम्पॉसिबल है सर अब जियो फाइबर ही लगा दी लेकिन साउथ में उसको भी बैन रख गई अच्छा उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है चलो ठीक है हम कहां तक डिस्कशन कर लिया था हमने कहां तक डिस्कस किया था मैं आपको बेसिकली स्लोप बनाना सिखा रहा था शेयर फोर्स डायग्राम की ठीक है और यहां पे ऑर्डिनेट पे पहुंच गए थे हम यहां पे मैंने बताया था कि बी पे कैसे आया है -W/2 ये आपको समझ आ गया सबको ये समझ आ गया सबको ठीक है तो इस तरह से हम अपने डायग्राम बना सकते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं सेम यूडीएल पे फिर ऑफ करते हैं आज रिकॉर्डिंग देखना चालू है ना यस सर चालू हां सर ठीक है अब मैं आपको बताता हूं एग्जामिनेशन की भाषा एक क्वेश्चन देखना एग्जामिनेशन की भाषा में ठीक है लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है आई थिंक ये यूपीएससी में या गेट में पूछा हुआ ऑलरेडी तो क्वेश्चन बड़ा इजी है तो हम लोग इजी क्वेश्चंस तो टारगेट कर ही रहे हैं ठीक है अपने साथ चाहे किसी का कोई भी एग्जाम हो तो क्वेश्चन लिखता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज यूडीएल ऑफ
60 kilonewton per meter over the entire span. Over the entire span. What is the value of shear force over the entire span of 10 meter? What is the value of shear force at mid span? Bataye zara kya value hoga. Option A zero hoga. Zero. ठीक है, तो कैसे बोल पाए आप जीरो, क्योंकि अभी आपने देखा अभी क्वेश्चन किया तो बोल पाए बहुत ही आराम से. आप लोग हमेशा याद रखना कि कितना भी यूडीएल का स्पैन हो, वॉट एवर मे बी द स्पैन ऑफ यूडीएल, ठीक है, कितना भी स्पैन हो, ठीक, इस केस में तो 10 मीटर है, और कितना ही बड़ा लोड लगा हो 60 किलोन्यूटन पर मीटर, हमेशा जो यूडीएल का आपका डायग्राम बनेगा वो आपका सेंटर से इस तरह से लोड जाएगा. ठीक है, सेंटर से आपका शेयर फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा. और ये बात कब तक वैलिड है, ये बात तभी तक वैलिड है जब तक हमारा बीम, जब तक हमारा बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और लोड क्या है, यूडीएल है. जैसे ही मैं बीम चेंज कर दूं या यूडीएल चेंज कर दूं तो ये कहानी सारी चेंज हो जाएगी. ठीक है, इन दिस केस शेयर फोर्स एट सेंटर इक्वल टू जीरो. तो क्वेश्चन में बड़ी फैंसी वैल्यू लिखता है ताकि कंफ्यूज करें आपको, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये जेई लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, 100% बन सकता है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, नोट कर लो इसको. और आपने ये वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड केस की हमेशा याद रखनी है कि अगर डब्ल्यू लोड लगा होगा तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा उसके ऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर से ड्रॉ करना है. ठीक है, इस तरह से ये डब्ल्यू एल बाई टू होगा और ये भी डब्ल्यू एल बाई टू. और जहां पर अपना शेयर फोर्स साइन चेंज करता है ना, जहां पर अपना शेयर फोर्स साइन चेंज करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं. देखिए यहाँ पे अपना शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, कंट्राफ्लेक्चर को बेंडिंग मोमेंट में द पॉइंट, मैं सब समझा दूंगा कंट्राफ्लेक्चर क्या है, इन्फ्लेक्शन क्या है. द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. यस सर. क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना समझना. क्वेश्चन ये बोलेगा बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वेयर शेयर फोर्स इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी वेयर शेयर फोर्स इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी वेयर शेयर फोर्स changes its sign, option D none of the above. क्या आंसर होगा? C. Shear force changes its sign. अब दुख की बात पता क्या है? दुख की बात यह है कि इन क्वेश्चनों में, कई बुक्स में ये भी आंसर सही कर रखा है. वो इत्तेफाक है कि यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो गया. ठीक है, वो इत्तेफाक है यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो गया. पिछले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वहां पे भी तो साइन चेंज हुआ था. Yes, sir. और यहाँ तो जीरो नहीं, यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो नहीं था. तो फिर मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट बता रही हैं कुछ किताबें वो गलत है. ठीक है, ये गलत आंसर है. हाँ, अगर आपके पास ये आंसर ना दिया हो क्वेश्चन के अंदर, लेट से कि ये आंसर ना दिया हो और फिर ये ऑप्शन अवेलेबल हो, तो फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की भावना, जो क्वेश्चन डाल रहा है उसकी भावना को समझेंगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है. ठीक है, अगर सर डायग्राम के साथ दिया हो तब तो होएगा ना, दोनों है नहीं, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, फिर तो ए ही लगाओगे ना, कोई मार्क करना है तो. समझ आ रही है मेरी बात? आंसर सही क्या है, वेयर शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन. और कुछ
कुछ डायग्राम्स, ये देखो ये पार्शियल नॉलेज होती है, आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूं मैं। कुछ केस के अंदर कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगी नहीं, साइन चेंज नहीं करेगी, तो क्या वह मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन ही चेंज नहीं करेगी, तो वहां पे भी तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। पर ये बात जो होती है कि जहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ये वहीं पे होगा जहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रही होगी जिस डायग्राम में। लेट अस से मैं आपको दिखाता हूं वो डायग्राम जहां पे साइन चेंज नहीं करेगी। मेरे पॉइंट को गेट कर रहे हैं आप लोग? यस सर। ये बन गई शेयर फोर्स की डायग्राम, और यहां तो पॉइंट, यहां तो शेयर फोर्स साइन ही चेंज नहीं कर रही है अपना। कोई बता देगा किसकी डायग्राम है, कौन सी, क्या लोडिंग केस और क्या डायग्राम है ये? मोमेंट लगी है, साइड्स मोमेंट लगी है। अच्छा इसकी बना लो जरा, इसकी बना लो। अगर ये लोड पी है तो नीचे से रिएक्शन भी कितना आएगा? एक ही सपोर्ट है, एक ही रिएक्शन को लेना पड़ेगा सारा का सारा लोड, तो कैसी बनेगी शेयर फोर्स डायग्राम? ऐसे नहीं बनेगी शेयर फोर्स डायग्राम। पी और पी, आर इक्वल टू पी, अभी कराऊंगा मैं आगे, ठीक है? मैं तभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सही बताएं ये, पर डायग्राम इस केस में भी ऐसी बनेगी। और अगर मोमेंट लगेगा ना, अगर मोमेंट लगेगा, जैसे आप में से कोई बोल रहा है कि मोमेंट लगेगा, तो उस केस में शेयर फोर्स डायग्राम ये बनेगी, डब्बा भी नहीं बनेगा आपका। बात समझ आ रही है? और इस लोड के कारण मोमेंट यहाँ मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर, और ये इसकी बेंडिंग मोड डायग्राम बनेगी। तो देखो आया ना बेंडिंग मोड मैक्सिमम एक पॉइंट पर, और यहाँ पे तो साइन चेंज हो नहीं रहा था। तो ये हमेशा सही नहीं होती बात, ये हमेशा, ये बात तभी सही है जब शेयर फोर्स के अंदर साइन चेंज होगा। अगर शेयर फोर्स के अंदर 10 जगह साइन चेंज हो रहे हैं, ऐसे अगर शेयर फोर्स आ रही है ऐसे, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट हो गए जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करी है। तो सभी पॉइंट्स पे क्या मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट? नहीं। इस केस में हमें हर पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम है। समझे मेरी बात को? हमें अब होगा किसी एक ही पॉइंट पे, इन पांच पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे होगा। अगर शेयर फोर्स अपना साइन कहीं चेंज कर दे ना, तो इसका मतलब उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। और जब ये दो पॉइंट बन गए इस तरह से, तो मतलब दो में से एक है कोई पॉइंट, वो फिर कहीं और नहीं हो सकती। पर अगर शेयर फोर्स अपना साइन ही चेंज नहीं करे, तो फिर कहां होगी वो हम कह नहीं सकते। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। समझ रहे हैं? बोलो यार आगे, समझ तो। हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? आप खुद नहीं बोल रहे हैं, नेटवर्क में प्रॉब्लम है कोई? जी सर समझ आया सर। ठीक है, तो आज इस नोट पे हम यही क्लास खत्म करते हैं। ठीक, तो आज आप लोगों ने काफी अच्छी बातें सीखी होगी। आई गेस, आई होप कि आप लोगों की लर्निंग आज अच्छी रही होगी। कैसी लर्निंग रही आपकी सर? आ गई दूसरी डेडलाइन 4G की। हाँ अच्छा, आ गई डेडलाइन, आ गई सर 4G की। चलो ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। कुछ बातें ऐसे कर लेते हैं ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि किसी ने अगर देखना हो तो उसको एंड में बातें बड़ी सुनाई देती हैं ऐसे।